हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। सो दोस्तों, ये जो आज का वीडियो है वो MBA फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है और जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। सो दोस्तों, ये सब्जेक्ट जो है आपका एक कॉमन सब्जेक्ट है, यानी आपने कोई सा भी स्पेशलाइजेशन लिया हो MBA के अंदर, IT, IB, ऑपरेशन, फिनेंस, मार्केटिंग, HR, कुछ भी लिया हो, आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। कॉमन यानी कॉमन सब्जेक्ट्स में से आता है, तो हर एक स्पेशलाइजेशन के बच्चों को ये पढ़ना है। तो अभी दोस्तों, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके हालांकि मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियोस बना करके रखे हुए हैं, बट आज के इस वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ तक के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन सभी को वन बाय वन बहुत ही सिंपल इजी वर्ड्स के अंदर रिवाइज करने वाले हैं। और मैं कोशिश करूँगा बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको सादे के सादे कॉन्सेप्ट, सादा का पूरा आपका सिलेबस जो है वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से। और अगर आपको कोई भी टॉपिक की डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो वो आप देख सकते हो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है इंडस्ट्री 4.0 एंड लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो जब भी इंडस्ट्री 4.0 की बात आती है तो हम अपने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को की बात करते हैं, यानी कि ये जो इंडस्ट्री 4.0 है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब हमारा पास्ट की अगर हम बात करें, जब हम अपने पास्ट की बात करें तो कोई मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं था। देन वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वर्ल्ड वॉर से जब भी हमारे अलग अलग तरीके की गन, मिसाइल और अलग अलग तरीके की जो लड़ाई वाले हथियार होते हैं ना, वॉर के लिए जो यूज़ होते हैं, युद्ध के लिए यूज़ होते हैं, तब से उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तब से प्रोडक्शन सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई। तो जो हमारा सबसे पहला मतलब कि स्टार्ट हुआ था वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट हुआ। देन अलग अलग चीज़ों की प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। तब हमारे पास में ना ही कंप्यूटर थे, ना ही हमारे पास में मशीन्स थी, हम केवल मैनुअली चीज़ों का प्रोडक्शन करते थे, तो हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। देन हमने धीरे से हमारा इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, प्रोडक्शन सिस्टम में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया। देन उसके बाद में हमारा कंप्यूटर आया। कंप्यूटर के बाद में अब जो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्या है, इंडस्ट्री 4.0। इसमें हम बात करते हैं AI और अलग अलग तरीके की जो IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, AI, बिग डेटा एनालिसिस, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड AI, वर्चुअल, अलग अलग तरीके की रियलिटी की, इन सभी चीज़ों की हम बात करते हैं। यानी कि जब भी हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों इसके अंदर रिप्रेजेंट होती है। तो ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसके अंदर हम बात करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की, जो कि इंटीग्रेटेड होती हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। पहले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसा था, मैनुअली हम लोग करते थे। फिर उसके बाद में जब लाइट को हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बहुत जल्दी प्रोडक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। देन उसके बाद कंप्यूटर आया, तो कंप्यूटर को हम लोगों ने इंटीग्रेट किया मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर, तो और भी जल्दी हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिए थे। देन इसके बाद में इंडस्ट्री 4.0 की जब भी बात आती है, तो फिर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ऐसा होता है कि हम बैठे बैठे चीज़ों को कंट्रोल पैनल की हेल्प से या फिर अलग अलग चीज़ों को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को, पूरे ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सकते हैं। AI की बात करते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स की बात करते हैं, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। सो यहाँ पर इंडस्ट्री 4.0 का ये एक इमेज है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। रोबोटिक्स की बात करते हैं और HMI का मतलब होता है कि ह्यूमन मशीन इंटरफेस, सेंसर, मॉनिटरिंग टूल, इंस्ट्रूमेंट, कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्री 4.0 के अंदर यूज़ करते हैं। इसको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद में इसकी की कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके अंदर इंटर कनेक्टिविटी होती है, इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें तो आप अपनी तरफ से लिख ही सकते हो। देन इसके बाद में सीरीज़ क्या है, देखो जब फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो 18th to 19th century के अंदर आया था। इसमें हम लोगों ने ब्रिटेन के अंदर ये फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, इसमें टेक्सटाइल प्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने वाटर और स्टीम के साथ में प्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, जिसमें स्पिन जेनी और पावर लूम जैसी मशीन्स का यूज़ किया जाता था, जिसमें धागे बनाने वाली मशीनों का और धागे से किस तरीके से हम कपड़े को बनाते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने स्टार्ट किया था। देन सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस करवाया मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। इससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग और ज़्यादा अच्छी
होने लगी। देन उसके बाद में थर्ड में बात आती है कंप्यूटर्स आ चुके थे, राइज ऑफ कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की। देन फोर्थ, जब भी हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें AI, IoT, रोबोटिक्स, 3D ऑगमेंटेड, 3D प्रिंटिंग, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, इन सभी चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरी हिस्ट्री है। देखो, फर्स्ट में हम लोगों ने पावर लूम यानी कि पावर और स्ट्रीम पावर, इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता था। सेकंड में जब इलेक्ट्रिसिटी आई तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाने लगा, मास प्रोडक्शन और असेंबली लाइन यानी मास प्रोडक्शन होने लगा। देन इसके बाद में थर्ड में कंप्यूटर्स का भी कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर। इसमें ऑटोमेशन की भी बात आने लगी। एंड देन फोर्थ के अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें क्या होने लगी, डिजिटल होने लगी। ठीक है, तो यही है पूरा आपका हिस्ट्री। इसको आप आई होप कि अच्छे से लिख सकते हो। तो जब भी हम बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, तो IoT, जैसे मैंने आपको बताया, IoT का क्या मतलब होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ों को रिमोटली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखो, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपकी जो कार होती है, तो कार को आप अपने मोबाइल ऐप की हेल्प से देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फ्यूल है उसके अंदर, कहाँ पर उसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। देखते हो ना कि जब ओला या उबर को आप बुक करते हो तो देख लेते हो कि कहाँ पर आपका ड्राइवर है और किस जगह पर कितनी देर लगेगी उसको आने में। देन इसके अलावा आप अपना उसको लॉक करने का सिस्टम जो भी होता है वो भी रिमोटली हो सकता है और एक्सेस कर सकते हो सारी चीज़ों को, तो बैठे बैठे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके घर के अंदर जितने भी डिवाइसेज हों या फिर आपके पूरे वर्कशॉप या फिर पूरी कंपनी के अंदर जितनी भी डिवाइसेज हों, वो इंटरनेट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड हों। सेंसर्स की बात करते हैं। सो अभी हम यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सभी जो भी हैं पार्ट है इंडस्ट्री 4.0 के। ठीक है, सो अभी हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स में आपको पता ही, कंपिटेटिव एडवांटेज, कस्टमर सेटिस्फाई, ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। कॉस्ट रिडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ें आप लिख ही सकते हो, फोर्थ सेमेस्टर में आ चुके हो। बट इसके चैलेंजेस भी कुछ हैं। चैलेंजेस में आप इसमें से दो चार पॉइंट याद रख लेना, जैसे कि लोगों को स्किल करवाना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कॉस्ट देना पड़ता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमको अच्छी खासी करनी पड़ जाती है, काफ़ी मतलब कॉस्टली जो होता है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर, हम काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। स्किल गैप यानी उतनी अच्छी मैन पावर नहीं है हमारे इंडिया के अंदर कि जो बहुत ज़्यादा स्किल हो। देन प्राइवेसी रिलेटेड भी इशू हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स अच्छी खासी होती है। देन इसके अलावा सिक्योरिटी के कॉन्सर्न्स होते हैं, तो ये सभी कुछ एक चैलेंजेस हैं। देन अब हम बात करते हैं द एनवायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से भी, और अब भी इसके जब भी हम बात करते हैं ना कि एनवायरमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो इंटरनेशनल बिजनेस में हम बेसिकली दोनों चीज़ों की बात करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरमेंट की। लेकिन जब भी हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा इंक्लूड किया जाता है। तो इट रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड कंडीशन दैट इम्पैक्ट्स द कंपनीज ऑपरेशंस। सो इट इनकम्पासेस द वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे सारी चीज़ें आपको पता ही है कि जो आपका पेस्टल एनालिसिस होता था, तो अगर आप चाहो तो उसको भी लिख सकते हो। और इसके अलावा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आपकी पूरे यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसका नेचर क्या है, ग्लोबलाइजेशन, क्रॉस कल्चर की हम बात करते हैं, डाइवर्स मार्केट, अलग अलग तरीके के लोगों की बात करते हैं, अलग अलग उनके बिहेवियर को हम देखते हैं, उनके बिहेवियर को हम अलग अलग तरीके की डाइवर्स बिहेवियर को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी, अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ की बात करते हैं, स्कोप इसका, नीड, काफ़ी सारी यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई, इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, ये थोड़ा सा इसके अंदर आ जा सकता है कि इसमें सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, मार्केट एंट्री के बैरियर्स हो सकते हैं, सप्लाई चैन का कई बार क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि आपको नेचुरल कैलामिटीज़ जैसे नेचुरल डिजास्टर, कोई कभी आपदा हो गई, भूकंप वगैरह आ गया, तो उसमें से देखने को मिल सकता है। देन इसके बाद में करेंसी का फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, तो ये सभी कुछ एक प्रॉब्लम से जो कि आपको इंटरनेशनल बिजनेस में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी टू क्रिएट न्यू और एग्जिस्टिंग और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग, यानी कि कुछ नया क्रिएट करना या फिर
जो भी एग्जिस्टिंग है उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। जैसे आप देखते होगे कि पहले हमको अपने यहाँ पर देखो कि आपको कोई भी टिकट लेनी होती थी या फिर आपको अपना बिजली का बिल जमा करना है तो कितनी लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब वो सारे काम हम आसानी से अब अपने मोबाइल से घर बैठे भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, इसमें आप कुछ ज़्यादा बताने ही नहीं कि यानी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को आप कस्टमर लेड ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक तरीके का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि चीज़ों को डिजिटलाइज करते हैं, यानी कि जो भी प्रोसेस होता है उसको हम डिजिटल तरीके से डिजिटलाइज कर देते हैं। यानी कि देखो, जैसे हम पहले पेमेंट प्रोसेस को देखो, पहले हम अपने जेब में रख करके पैसे घूमते थे, लेकिन आज के टाइम हम UPI, फोन पे ये सारी चीज़ों को कर देते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जांपल। बेनिफिट्स इसके क्या हैं देख ही सकते हो, ठीक है। हाँ, और एक बात यहाँ पर एक आप चीज़ ध्यान रखो कि अगर आपको इसका PPT PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप ले सकते हो। एक छोटा सा चार्ज है वो आपको देना है और ये पूरे आपका PDF आप चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद में 5 essential elements क्या क्या है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, यहाँ पर 5 elements के बारे में बताया गया है। तो वो कौन से 5 elements हैं जो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। सबसे पहला पीपल, यानी लोगों के पास में अवेयरनेस होनी चाहिए, ऐसे लोग जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हों। देखो, जैसे अब पेमेंट प्रोसेस है, अगर हम लोग ही नहीं अवेयर होंगे कि हमको UPI करने है, हमको फ़ोन पे करने हैं, तो फिर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करके क्या करोगे, क्योंकि लोग ही नहीं अवेयर है। तो लोग होना ज़रूरी है। देन सेकंड क्या है, डेटा होना चाहिए आपके पास में। डेटा नहीं होगा कि अकाउंट, लोगों का डेटा, पर्सनल डेटा, उनकी अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें क्या आता है, डेटा के अंदर ही आता है। देन इनसाइट्स, मतलब कि व्हाट यू वांट टू डू, आपको एक्चुअल में करना क्या है, लोग मिल गए आपको, डेटा मिल गया और आपको करना क्या है, ठीक है, इनसाइट्स। देन उसके बाद में जो भी आपको करना उसका एक्शन लो, और एक्शन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी होती है, जो भी आपने जैसा सोचा होता है वो वैसा नहीं होता है, तो उसको मेज़र करने के लिए आप उसके रिजल्ट्स को देखो कि क्या हो रहा है, तो उसको कंट्रोलिंग की भी एक्टिविटीज़ जो भी होती है वो रिजल्ट्स के अंदर आते हैं। सो पीपल, डेटा, इनसाइट्स, एक्शन एंड रिजल्ट्स, ये 5 चीज़ें होती हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पर इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने अपना यूनिट फर्स्ट ख़त्म कर लिया, और अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम बात करते हैं बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के। तो सबसे पहला आपका जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। AI हम हमेशा सुनते रहते हैं ना वर्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है एक्चुअल में ये क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब भी हम बात करते हैं तो एक तरीके की ऐसा कंप्यूटर्स या अलग अलग मशीन्स को इस तरीके से डेवलपमेंट देना, इस तरीके से उनको हम सिखाते हैं कंप्यूटर्स को या फिर मशीन्स को, जिससे कि वो ह्यूमन के जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है उसको कॉपी करके सेम उस तरीके से बिहेव कर सकें, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ जो हो सकती है उसको वो इम्प्रूव कर सकें। देखो AI क्या है, मतलब कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ह्यूमन का इंटेलिजेंस होता है वो क्या है, नेचुरल। जैसे हमारा इंटेलिजेंस लेवल क्या कहता है, यानी हम कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है हम पर डिपेंड करता है ना, कि जैसे हमने अगर कोई भी हमको सपोज दैट कि कोई हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो हम उसका आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, या फिर अगर हमको कोई लेटर लिखने के लिए दिया गया, कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए दी गई, तो हम उस एप्लीकेशन को किस तरीके से लिख रहे हैं, ये हम मेरे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि आप एक क्राइटेरिया दे देते हो, एक सिनेरियो दे देते हो, एक यानो कि एक तरीके की चीज़ों को दे देते हो कि इस तरीके की तुम्हारे पास में ये सिनेरियो है और तुमको कुछ इसके अंदर लेटर लिखना है या तुमको इमेज क्रिएट करनी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है कि जैसा ह्यूमन का जो दिमाग होता है सोचने का तरीका, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब यहाँ पर यही है कि कॉपी करता है, और कॉपी करके वो ह्यूमन के बिहेवियर, ह्यूमन के इंटेलिजेंस को एज इट इज़ कॉपी करके वो उसको आर्टिफिशियल तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता है। तो AI अलाउज कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करना और मशीन्स और कंप्यूटर्स को ऐसी ट्रेनिंग देना कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज कर सकें। यही क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ठीक है। जैसे कि हम इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके के, एक मिनट, हाँ, सो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप मेकिंग सॉन्ग रिकमेंडेशन, आप जब YouTube के ऊपर जाते हो तो देखते होगे कि आप जो चीज़ को बार बार देख रहे हो तो वो एकदम से रिकमेंड करने लगता है ना। जैसे आपने कोई मेरी वीडियोस देख रहे हो तो
अगर देख रहे हो मोस्टली शाम के टाइम पे देखते हो, अगर शाम के टाइम पे अगर आप अपना यूट्यूब देखते हो तो देखोगे तो वीडियोस जो भी होंगी मेरी आने लगेंगी आपके अलग अलग जो भी होता है ना होम पेज के अंदर, तो ये सारी चीज़ें। देन फाइंडिंग ऑप्टिमल ट्रेवल रूट्स, जो आप देखते हो कि कौन से रूट पे जाना है, या फिर ट्रांसलेटिंग लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एआई के ही एग्जांपल्स हैं। एआई क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है नेचुरल लैंग्वेज को, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं एआई के अंदर, जैसे मशीन लर्निंग और भी सारी चीज़ें आती हैं। तो उसका एग्जांपल आप अगर ध्यान रखना एआई का, तो ये आप ध्यान रख लेना कि वर्चुअल असिस्टेंट, देखते होगे कि आप जब भी कोई मोबाइल डिवाइस को ओपन करते हो तो उसको बोल जो देते हो वो जो भी आप बोलते हो, वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है ना कि जो भी आपका चाहे आपको कोई सा भी, जैसे आप गूगल वगैरह को कुछ भी बोलते हो तो वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है, जो भी आप बोलते हो वो सामने सारे के सारे पेजेस और वेबसाइट्स वगैरह खुल जाते हैं। इसके अलावा एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट जो भी आपके घरों में होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपके इसके एग्जांपल है। देन सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार अभी उसका नया, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क हो रहा है और काफ़ी अच्छा वर्क हो भी चुका है। ठीक है, तो ये ऐसी कार्स हैं जो कि मतलब सेल्फ ड्राइव्ड होते हैं, मतलब इसमें कोई भी ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने हिसाब से खुद देख लेती हैं ट्रैफिक्स वगैरह को, खुद एनालाइज कर लेती हैं कि कहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है कम है, किस तरीके से हमको मोड़ना है, कहाँ पर इधर टर्न मतलब किस साइड टर्न करना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है। इसमें हम क्या करते हैं कि अपना लोकेशन सेट कर देते हैं, उसके बाद में जो कार होती है वो अपने हिसाब से पूरा चलती चली जाती है। तो ये क्या है, ऑटोनोमस क्या है, मतलब व्हीकल सिस्टम होता है जिसमें हम अपना लोकेशन सेट कर देते हैं और ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये क्या है, अच्छा खासा एग्जांपल है एआई का। ठीक है, देन उसके बाद में एप्लीकेशंस क्या है, इसमें नेचुरल लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग होती है, यानी नेचुरल एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब जो भी नेचुरल जो हमारी लैंग्वेज होता है उसको कंप्यूटर समझ सकता है। देन कंप्यूटर वर्जन, इसके अलावा मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव रोबोटिक्स, गेमिंग्स के अंदर सब चीज़ों जगह पर हमको एआई के एप्लीकेशंस यूज़ देखने को मिलते हैं, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। यहाँ पर जो आप डाइग्राम देख रहे हो ये पूरा इसका क्या है, एक तरीके से इसको समराइज करने का बहुत ही अच्छा शॉर्टकट वे है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इसकी हेल्प से आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हो। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके का ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी इसमें हम बहुत सारी चीज़ों की बात करते हैं जो कि अभी आप पढ़ चुके हो, यानी इसमें हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को और सेम मशीन्स और कंप्यूटर को उस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरीके से उसकी कॉपी करके ही आपके सवालों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उन सवालों के जवाब दे सकते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसके अंदर का जो सबसेट आता है वो होता है दोस्तों मशीन लर्निंग। पूछा जाता है आपसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के बीच में डिफरेंस बताओ, या फिर डीप लर्निंग क्या होती है उसके बारे में बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सबसेट है दैट इज़ मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग से भी उसका जो भी सबसेट है वो है डीप लर्निंग। ठीक है, तो अब हम मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं। तो मशीन लर्निंग जिसको आप शॉर्ट में ML भी बोल सकते हो, तो दिस इज़ अ सबसेट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द एल्गोरिथम्स, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, मशीन्स को अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिसके हिसाब से जो मशीन होती है या फिर जो कंप्यूटर है वो हमारा बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता है। तो इट मतलब कि इट अलाउज कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड मेक डिसीजंस। इसके अंदर थ्री टाइप के मेन आपको कैटेगरी देखने को मिलती है। सबसे पहला आपका आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, देन आपका सेकंड आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड देन रेनफोर्स्ड लर्निंग। इन तीनों नामों को आप अच्छे से याद रख लेना, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रेनफोर्स्ड लर्निंग। सो देखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर को, मशीन को इस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं कि यानी कि सुपरवाइज करते हैं, यानी सुपरवाइज का मतलब है ना कि जो सुपरवाइज़र होते हैं जिस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं उसको सुपरवाइज करते हैं, तो उसी तरीके से हम मशीन्स को भी क्या करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, सुपरवाइज़र की तरीके हम काम करते हैं। यानी कि देखो, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या फिर हम कोई अपना यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो हम मशीन को क्या करते हैं, एक तरीके से सुपरवाइज कर दें कि अगर ये लिंक दिया जाए तो यहाँ इस पेज पर जाना है, अगर ये पूछा जाए तो ये आपको पेज दिखाना है। तो
तो गूगल पे जब भी हम जाते हैं तो कुछ भी अगर हम टाइप करते हैं हम, तो अगर वो वेबसाइट खुल जा रही है या फिर वो पेज खुल जा रहा है तो वो क्या है, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, क्योंकि उसके अंदर पहले से सारी चीज़ें क्या हैं, प्री डिफाइंड है, सारी चीज़ों को सेट करके रखा गया है कि अगर ये पूछा जाएगा तो ये आपको जवाब देना है, ये चीज़ है होगी तो ये जवाब देना है, ठीक है। तो उस तरीके से गूगल क्या है, एक तरीके से सुपरवाइज लर्निंग का एग्जाम्पल है। देन उसके बाद में अनसुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो भी हिडन डिस्कवर, यानी कि इसमें हम जो मशीन्स होती हैं वो अपने खुद के एल्गोरिथम यानी खुद के जो भी होता है खुद की गलतियों से सीखती है, ठीक है। खुद की गलतियों से जब भी सीखते तो वो क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। तो इसमें कोई हम मशीन को कुछ सिखा नहीं रहे, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आप देखते हो ना, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हम मशीन से पूछते हैं, जो भी हम उससे टेक्स्ट करके पूछते हैं, वो उसके हिसाब से हमको जवाब दे देता है। तो ये इसमें कुछ पहले से फिट नहीं होता है कि आपको ये सारी चीज़, वो अपने अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करता है और अपनी गलतियों से काफ़ी सारी चीज़ों को सीख रहा है और वो अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल हो गया। देन ज़ेन फोर्स लर्निंग के अंदर हम क्या बात करते हैं कि इसमें जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम इंटरैक्ट्स विद द डायनेमिक एनवायरनमेंट इन विच द मस्ट परफॉर्म अ सर्टेन गोल, यानी कि जैसे कि आप देखते होगे कि काफ़ी सारे जो आपका सेल्फ ड्राइविंग कार है या फिर कोई भी गेम आप देखते होगे कि कोई आप गेम खेल रहे हो, तो गेम जो भी कंप्यूटर के साथ में अगर गेम खेलो तो आप अपना गेम खेलते हो, वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वो अपनी चाल चलता है, आप अपने हिसाब से अपने अपने बारी का इंतजार करते हो, आप अपना खेलते हो। तो ये क्या है कि इसमें ज़ेन फोर्स लर्निंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि उसको इस तरीके से मशीन को ट्रेंड करते हैं कि वो अपने हिसाब से, यानी इसमें हमको भी मशीन को कोई उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। जैसे सुपरवाइज लर्निंग में क्या है कि हमने सारी चीज़ों को सेट करके रखा हुआ है। गूगल क्या है, यानी हमने वेबसाइट बना दी, हमने यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना दिए, अब हम जो भी उससे पूछेंगे, एप्पल पूछेंगे या बनाना पूछेंगे, तो वो हमको वैसा बना, वो उस जगह पर हमको वही चीज़ दिखा देगा। लेकिन अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है कि इसके अंदर हम जो भी मशीन से पूछ रहे हैं तो वो अपने पैटर्न्स को, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को डिस्कवर कर रहा है और तब जाकर को अपना जो भी उसको सही लगता है वो उस तरीके का आंसर दे रहा है और अपनी गलतियों से सीख रहा है। और ज़ेन फोर्स लर्निंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जो हमने मशीन को इस तरीके से ट्रेंड किया कि वो क्या कर सकता है कि अपने एल्गोरिथम के हिसाब से डिसीजंस को ले सकता है कि कहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, किधर मुझे टर्न होना है, किधर लेफ्ट साइड में टर्न होना है, किधर राइट होना है। तो ये सारे जो भी आप इसमें क्या किस चीज़ का एग्जांपल लिख सकते हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स का, ठीक है। तो इसका यहाँ पर एग्जांपल लिखा भी हुआ है कि इम्प्लीमेंटिंग ज़ेन फोर्स लर्निंग एल्गोरिथम वेयर द व्हीकल, और इसमें पता होता है कि मशीन को कि कहाँ कब उसको, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार में उसको पता होता है कि कब उसको ब्रेक लगाना है, कब उसको एक्सेलरेट करना है, कहाँ पर टर्न करना है, बेस्ड ऑन द करंट स्टेट, यानी कि उसको पता होता है उसको किधर साइड में जाना है और किस तरीके से उसको जोर में चलना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसके अंदर तीन बेसिकली कॉन्सेप्ट आते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड ज़ेन फोर्स, ठीक है। तो ये आप इसके एग्जांपल्स को ध्यान रखना। देन इसके बाद में इसके कुछ एक चैलेंजेस भी हैं मशीन लर्निंग के, इसमें सिक्योरिटी प्राइवेसी का इशू आता है, बायसनेस हो सकती है, डेटा की क्वालिटी से रिलेटेड इशू आता है। देन अब हम बात करते हैं हम डीप लर्निंग की। डीप लर्निंग क्या है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, देन उसके बाद में मशीन लर्निंग क्या है उसका सबसेट है, और डीप लर्निंग क्या है मशीन लर्निंग का सबसेट है। तो डीप लर्निंग के अंदर अब हम क्या बात करते हैं, दिस इज़ द सबसेट ऑफ द मशीन लर्निंग दैट इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल का मतलब आप समझ लो कि जो भी आपके मस्तिष्क होता है तो उसमें काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, यानी न्यूरल नेटवर्क्स जो भी आपके दिमाग के अंदर काफ़ी सारे वो होते हैं ना न्यूरॉन्स, जिनकी वजह से हम किसी चीज़ की डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कोई भी चीज़ गर्म छुआ दी जाए हमारे हाथ से, तो हम तुरंत उससे हाथ हटा लेंगे, क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि ये गर्म चीज़ होती है। अगर हम कोई ठंडी चीज़ पे रखें हाथ तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ ठंडी है। तो ये क्या, किसकी वजह से डिसीजन ले सकते हैं, अपने न्यूरॉन्स की वजह से। हमारे आँख के सामने अगर कुछ आ जाता है तो तुरंत हम आँख बंद कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है कि हमारे न्यूरॉन्स की वजह से ही पता चल रहा है हमको पता चल जाता है कि कौन ठंडी चीज़ है, कहाँ पर मुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कहाँ पर आँख बंद करना है, कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी चीज़ गर्म है, ये सारी चीज़ों का पता चल जाता है। इसी के साथ साथ में जैसे हम क्या करते हैं कि अगर हमने किसी आदमी को देखा तो जब हम उसको दोबारा देखते हैं तो हम ऐसा लगता है कि अच्छा इस आदमी को तो पहले मैं देख चुका हूँ,
ऐसा नहीं लगता है आपको कि दोबारा से कि हाँ, और जब दोबारा मिल लेते हैं, तीसरी बार मिल लेते हैं, कई बार मिल लेते हैं, तो फिर हम उसकी आदत सी हमको पड़ जाती है, मतलब कि उसकी शक्ल देखने की आदत हो जाती है, तो फिर हम उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते अपने घर में पेरेंट्स की। बार बार हम मतलब शक्ल देख करके थोड़ी नहीं है ना, यानी कि हम उनको ऐसा ही पहचान जाते हैं। तो ये क्या हो गया, यानी कि उनकी शक्ल को एनालाइज करना, हम देखते हैं उनकी शक्ल को, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैट है, ये डॉग है, किस तरीके से हम अपने न्यूरॉन्स की वजह से ही तो बस देखते हैं। तो डीप लर्निंग क्या है, कॉन्सेप्ट है कि उस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को डेवलप किया जाता है, जिसकी हेल्प से क्या किया जाता है कि ह्यूमन के तरीके ब्रेन को बनाया जाता है और मशीन को उस तरीके से सिखाया जाता है कि वो अपने हिसाब से आइडेंटिफाई कर सके पैटर्न्स को। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है कि कैट और डॉग का इमेजेस बनाए गए और कैट और डॉग के अलग अलग एंगल से कंप्यूटर को या मशीन्स को सिखाया गया कि ये कैट ही है, यानी कि ये एंगल में भी डॉग है, इस तरीके से देख रहा तो ये भी डॉग है, ठीक है। उसके बाद में जब उससे पूछा गया कि ये डॉग है, जब हम देखते हैं ना कि जो हमारा गूगल लेंस होता है उसके सामने हम कोई सा भी कैमरा लेकर के जाते हैं, यानी कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट लेकर के जाते हैं, तो वो सेम तरीके की सेम कैटेगरीज की फ़ोटोज़ हमारे सामने ला करके रख देता है। तो यानी ये क्या है कि ये डीप लर्निंग का ही एग्जांपल है, यानी जो गूगल लेंस है आपका, कोई भी प्रोडक्ट को वो क्या कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है और सेम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक ले करके आ रहा है। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डीप लर्निंग, यानी कि अब जो भी गूगल है या फिर आपके जो गूगल लेंस है, उसको पता है कि वो अपने हिसाब से वो डिसीजंस ले सकता है, कि उसको पता है कि कौन कैट है, कौन डॉग है, कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पर मुझे किस चीज़ को लेकर के जाना, उसमें अब आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं। गूगल लेंस के पास में आप ऑब्जेक्ट लेकर के जाओ और वो तुरंत डॉग के पास में लेकर के जाओगे, तो डॉग से रिलेटेड ही आपको क्या करके देगा, सर्च के रिलेटेड इमेजेस ला करके देगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ डीप लर्निंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, गूगल लेंस की हेल्प से ही पता चल जाता है, यानी कि वो गूगल होता है वो भी एनालाइज करता है चीज़ों को, देखता है अपने न्यूरॉन्स की वजह से कि ये आइंस्टीन है, स्टीव आइंस्टीन, यानी कि जो भी हैं, मतलब इनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है फिलहाल, मतलब ये आई थिंक ये एप्पल के फाउंडर हैं, देन इनका शायद स्टीव जॉब्स हैं शायद ये, हाँ। तो देखना आप जाकर कि इसको, अगर आप, अरे आप गांधी जी की इमेज को भी आप क्या करोगे, अगर जैसे देखोगे ना जाकर गूगल लेंस के पास में लेकर के जाओगे और उनकी इमेज को जैसे ही कैप्चर करोगे गूगल लेंस से, वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन उनके बारे में दे देगा, उनसे ही रिलेटेड ही फ़ोटो आपको देगा, आल करके देगा। तो यही क्या है, कॉन्सेप्ट है डीप लर्निंग का, यानी कि आप जो गूगल है, जो हमारा मतलब मशीन है या कंप्यूटर है, वो हमारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स को समझता है, जानता है, उसके हिसाब से क्या करता है, न्यूरॉन्स को डेवलप किया जा रहा है उसमें, देन उसके हिसाब से वो क्या करता है, चीज़ों को कैप्चर कर सकता है और उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है, देन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ही वो सेम चीज़ को दोबारा से दिखाता है। तो इसके एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं, जैसे हाई एक्यूरेसी होती है, फीचर लर्निंग, वर्सेटिलिटी, देन इसके डिसएडवांटेजेस में जैसे डेटा डिपेंडेंसी, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज यूज, डेटा रिक्वायरमेंट काफ़ी रिक्वायरमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें फिलहाल इसका यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट मैंने AI के बारे में, ML के बारे में, DL के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, तीनों ही कॉन्सेप्ट को आप लोगों को समझा दिया, बता दिया एग्जांपल्स के साथ में। तो यहाँ पर इसके बीच में डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप PDF वगैरह ले सकते हो नीचे आकर के। सो अभी देखो यहाँ पर क्या है, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। इसका क्या मतलब होता है, देखो बिना किसी चीज़ को, बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है। सिंगुलैरिटी का मतलब ये होता है, एक तो मतलब होता है आपका व्यक्तित्व, दूसरा मतलब होता है आपका किसी चीज़ का नो कि कोई स्ट्रेंजनेस, कोई भी यानी कि कोई अजनबी है या फिर कोई स्ट्रेंज पर्सन है, तो उसको हम बोल सकते हैं। तो सिंगुलैरिटी का मतलब कोई यही चीज़ आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो, उसका मतलब ये होता है कि जब आने वाले समय में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट बढ़ जाएगा कि चीज़ें जो भी होंगी वो ह्यूमन के हाथ से बाहर होंगी और कोई भी आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी। मतलब कि यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसमें क्या किया जाता है, हाइपोथेटिकल फ्यूचर को डिफाइन किया जाता है, एक तरीके का ऐसा फ्यूचर है जिसको हम केवल अपनी तरफ से केवल ये कर सकते हैं कि एक अनुमान लगा सकते हैं या फिर
अपने फ्यूचर को अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम पे इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हो जाएगी दैट बिकम्स अनकंट्रोलेबल एंड इनरिवर्सिबल, यानी कि आगे आने वाला समय जो है, वो टाइम जो है, फ्यूचर हमारा वो इतना ज़्यादा एडवांस होगा कि जो भी चीज़ें होंगी वो हमारे हाथ से बाहर होंगी, और अगर हम चाहेंगे भी कि हम पीछे चले जाएं तो भी हम नहीं जा सकते। देखो जैसे कि हम सोचते हैं ना कि इंटरनेट का टाइम आ चुका है, लेकिन अगर अब हम सोचें कि हम पहले जैसे युग में चले जाएं जहां पर नो इंटरनेट, नो इलेक्ट्रिसिटी, और हम पूरा पूरा अपना लाइफ उस तरीके से बिता सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना। तो इस तरीके से आगे आने वाला टाइम इस तरीके का होगा जो कि अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस, यानी कि एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन का दिमाग भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, यानी कि ह्यूमन की सिविलाइजेशन के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ने वाला है। एंड मूवमेंट इन द फ्यूचर वेयर टेक्नोलॉजी गेट्स सो एडवांस दैट इट कम्प्लीटली चेंजेस एवरीथिंग, यानी कि सब कुछ बदल जाएगा एंड वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, और हम ये प्रेडिक्ट करना हमारे लिए मुश्किल होगा कि क्या आगे आने वाले समय में होने वाला है। तो दिस विल बी द न्यू एरा ऑफ ऑल द ह्यूमैनिटी, यानी कि ये मानवता के लिए एक नया एरा होगा, एक नया युग होगा। तो इसमें एक छोटा सा एग्जांपल की हम बात करते हैं कि सपोज़ हमारे पास में कोई रोबोट हेल्पर है जो कि हमारे अभी केवल बेसिक कामों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसको, क्लीनिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, केवल छोटे छोटे कामों से हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि जो हम अपना जैसे चैट जीपीटी है, उससे हम कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, कई सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी कई लोग पूछते हैं, या कुछ भी उनको लिखवाना होता है, कुछ भी करना होता है, लेकिन बट ओवर द टाइम मशीन के साथ में हम मशीन को जो है ट्रेंड भी तो कर रहे हैं, मशीन को केवल हम मतलब केवल इंफॉर्मेशन ही उससे नहीं ले रहे हैं, इसके साथ ही साथ में मशीन को ट्रेनिंग भी तो मिल रही है ना, कि जो मशीन है अपनी गलतियों से भी तो सीख रहा है। अभी हम लोगों ने पिछले में क्या पढ़ा है, मशीन लर्निंग के अंदर हम लोगों ने तीन तरीके जो देखे ना, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट लर्निंग के बारे में देखा। तो अनसुपरवाइज्ड में क्या हो रहा था कि जो मशीन है वो अपनी गलतियों से खुद सीख रही है, तो जो रोबोट्स हैं, जो मशीन्स हैं, वो अपनी गलतियों से इतना ज़्यादा सीखेंगे कि आगे आने वाला जो टाइम होगा वो ह्यूमन का दिमाग वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा जहाँ तक कि जो मशीन्स हैं वो लिख सकती हैं या फिर कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अभी भी देखते हैं ना कि हम कुछ भी अगर मेल पे अगर कुछ लिखना होता है, या कुछ भी हमको कुछ भी लिखना होता है, या कोई हमको क्रिएटिव चीज़ों को लिखना होता है, राइटिंग वगैरह को, तो एक ह्यूमन का दिमाग में भी उतना ज़्यादा एडवांस नहीं हो सकता जितना ज़्यादा हम चैट जीपीटी वगैरह से, या फिर अलग जो भी हमारे क्लिप पॉड आते हैं, ये जो अलग अलग ऐप्स हैं ना, तो उसमें से भी हम देख सकते हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी वो हमारे सामने लेकर के आता है, और बहुत ही एडवांस तरीके से जो हम जिसको सोच भी नहीं सकते उसको भी लेकर के आकर के वो पूरा का पूरा प्रेडिक्ट कर देता है। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यानी टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी, यानी कि जो एक रोबोट है वो ओवर द टाइम इस तरीके से सीखेगा कि उसके दिमाग में इतने ज़्यादा न्यू आइडियाज़ आएंगे, वो हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन के लेकर के आएगा दैट ह्यूमन ब्रेन कुड नॉट हैव, यानी कि एक इंसान का दिमाग मे बी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। तो दिस विल बी लाइक ट्रांसफॉर्म ऑफ एवरीथिंग इन द वेज ऑफ नेवर इमेजिन, यानी कि कोई भी उसको इमेजिन नहीं कर सकता था, और दिस विल बी लाइक द न्यू एरा ऑफ द ह्यूमैनिटी। सो यही चीज़ है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है छोटा छोटा, कभी कभार दो दो नंबर में पूछ लिया जाता है, AGI, AGI, ASI, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले AI, यानी कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं कि हम छोटे छोटे काम दे रहे हैं जैसे मशीन को सिखा रहे हैं। जैसे हमने देखा है ना कि गूगल वगैरह पे हमने बहुत सारे डेटा को फीड कर लिया, और समय आने पे अगर हम उससे कोई भी चीज़ को पूछ रहे हैं तो हमको ले करके आ करके दे रहा सेम इन्फॉर्मेशन बार बार, तो वो क्या हो गया कि एक नैरो इंटेलिजेंस हो गया, आर्टिफिशियल का नैरो इंटेलिजेंस आ गया। देन जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन को काफ़ी अच्छा ह्यूमन की तरीके जो भी है मशीन्स को इस तरीके से मशीन को ट्रेंड करना कि मशीन जो है वो इंसान के दिमाग को कॉपी करना स्टार्ट कर दें, स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर दें, और सेम आंसर हर एक प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन देना स्टार्ट कर दें, तो वो क्या होगा कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। देन उसके बाद में आपका आता है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस में हम क्या कर रहे हैं कि मशीन को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, यानी कि मशीन को अपनी गलतियों से मशीन सीख भी रही है, और यानी बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो सुपर इंटेलिजेंस में हम क्या बात कर रहे हैं कि यानी कि हर एक तरीके के मशीन जब अपनी अपनी गलतियों से सीखती है और अपनी गलतियों को सुधार भी लेती है और यूनिक सॉल्यूशन देती है, तो वो क्या हो गया आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का एग्जांपल हो गया। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हमने देखा है ना, तो वो
ठीक है। देन इसके बाद में इम्प्लीकेशंस आप देख सकते हो यहाँ पर, फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, सुपर ह्यूमंस हो गए, बिग रिस्क, वर्किंग टुगेदर, ये सारे इसके इम्प्लीकेशंस हो गए। अब आपका आता है एक नया कॉन्सेप्ट, VR, AR एंड MR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। या इसके अंदर हम क्या बात करते हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी की। तो देखो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी मतलब एक आपका ऐसे बोल सकते हो कि वर्चुअल रियलिटी पुराना कॉन्सेप्ट हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी बहुत जगह पर यूज़ होता है। जैसे हम अपने मूवीज़ वगैरह पर देखने जाते हो ना, तो सच में हमको ऐसा लगता है कि हम उस तरीके की वर्चुअल रियलिटी का मतलब यही होता है कि हमको ऐसा फील होने लगता है कि हम एकदम नई जगह पर हैं, हम एकदम नए प्लेस पर हैं, है ना। तो ये हो गया, ये इसका एग्जांपल हो गया वर्चुअल रियलिटी का। जैसे इसका छोटा सा एग्जांपल वही ले सकते हैं, जैसे कि हम किसी भी मूवी थिएटर के अंदर हैं और वहाँ पर जो भी चीज़ों को देख रहे हैं उसको चश्मा हमको दे दिया जाता है इस तरीके का पहनने के लिए, और उसको देख करके हम चीज़ों को जब भी ऐसा लगता है कि हम अपने जो भी फिज़िकल इन्वायरमेंट जो जहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं उस जगह पर नहीं है, मूवी के अंदर ही हम उस चीज़ों को, डिजिटल कंटेंट को ऐसा लगता है कि वो फील लाइक कि हम वहीं पर ही हैं, ठीक है। तो रिप्लेस कर देता है हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को, यानी कि जब भी हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उसको रिप्लेस कर देता है। जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है इसका, कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलेंगी, यानी कि फिजिकल तो देखने को मिलेगी जहाँ पर आप एग्जिस्ट कर रहे हो वो तो देखने को मिलेगा, इसके साथ ही साथ में आपको मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऑगमेंटेड के अंदर मतलब कि आपको डिजिटल कंटेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि एक साथ दोनों चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि आप जहाँ पर हो वो भी प्लेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर डिजिटल कंटेंट भी देखने को। जैसे आप देखते होगे ना कि स्नैपचैट वगैरह पे कि अलग अलग ईयर्स लग रहे हैं या कुछ भी फेसेस हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। और मिक्स्ड रियलिटी के अंदर बात होती है कि जब भी आप दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर देते हैं, AR और VR और AR को, तो यहाँ पर अभी देखते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं पूरा, कि वर्चुअल रियलिटी का मतलब यही हो गया कि देखो वर्चुअल टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूज़र टू इन्वॉल्व देमसेल्फ इन अ कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट, ठीक है। जैसे इसमें 3D इमेजेस और वीडियोस आ गए, तो वो उसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पर एग्जांपल 3D इमेज मूवीज़ का लिखा हुआ है। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमको दोनों चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही हैं, यानी कि जो हम हैं वो भी देखने को मिल रहा है, इसके अलावा डिजिटल कंटेंट भी देखने को। ये हमारी ही शक्ल है, मान लो कि ये अगर हम अपना मोबाइल में स्नैपचैट देख रहे हैं, अपने दोस्त का ऐसे ऐसे इमेजेस बना रहे, तो ये हमारे दोस्त ही हैं, लेकिन उनके ये जो ईयर्स लगे हैं वो उनके एक्चुअल में नहीं है, वो सभी क्या है, डिजिटल, यानी एक तरीके से उनके ऊपर ओवरले किया जा रहा है, ठीक है। देन मिक्स्ड रियलिटी के अंदर क्या बात होती है कि दोनों चीज़ों का ये क्या होता है, एक तरीके का मिक्स्ड होता है, यानी कि इसमें वर्चुअल की भी बात होती है और AR की भी बात होती है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ना ये क्या होता है कि ये थोड़ा सा अलग होता है, यानी कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, इसके अलावा कुछ ना कुछ आपका डिजिटल तरीके की चीज़ों को भी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देखते होगे यहाँ पर कि सपोज़ आपका कमरा खाली पड़ा हुआ है, और कमरे को आप अगर अपने मोबाइल से देखोगे कि इस जगह पर मुझे गमला रखना है, तो अपने गमले में वहाँ पर सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर आपके मोबाइल में ये चीज़ दिखेगा कि ये जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है, जो आपका रूम है वो भी दिखेगा, और ये गमला जो है वो एक्चुअल में डिजिटल तरीके का बनाया हुआ है, डिजिटल इमेज है जो कि आपको वहाँ पर रखी हुई दिखेगी, लेकिन वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से सोफ़ा है या कुर्सी है, तो आपको वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अगर मान लो कि हमको अपने रूम के अंदर कोई भी बेड वगैरह डाल करके देखना है कि कौन से एंगल में कौन सी चीज़ सही लगेगी, तो आप अपने मोबाइल से उसको देख सकते हो पहले से, तब उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो होम डेकोरेटिंग ऐप जिसको आप देख सकते हो, तो उसमें जा कर के सर्च करोगे तो उसके बारे में आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो यही होता है कि इसमें जो आपका फिज़िकल इन्वायरमेंट है वो भी देखने को मिलेगा, इसके अलावा डिजिटल जो भी आप चीज़ें हैं उनको भी एक साथ देख पाओगे, ठीक है। सो ये हो गया मिक्स्ड रियलिटी, आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं, गेमिंग, रिटेल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, होम डेकोरेटिंग ऐप्स, ये सभी इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। ब्लॉकचेन, ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है। ब्लॉकचेन क्या होता है दोस्तों, ब्लॉकचेन हमने कई बार सुना भी होगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो भी है वो हमको एक तरीके का स्यूडोनम का मतलब होता है कि उपनाम देखने को मिलता है, सतोशी नाकामोटो इन 2008 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ह्यूमन का नाम है, यानी कि एक जिन्होंने इस ब्लॉकचेन के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो
इसका जो मतलब है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो सीधा सा यही है कि ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि जो भी चैन्स होती हैं, यहाँ पर जैसे आप इमेज देख रहे हो ना, तो ये जो चैन्स हैं यानी कि एक के बाद एक कड़ियाँ आपस में जो जुड़ी हुई होती हैं, चेन ये क्या होती है, चेन यानी कि एक के बाद एक जो कड़ियाँ होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यही क्या होती है, चेन। तो इस ब्लॉकचेन का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, इसके दो मेन कॉन्सेप्ट हैं। पहला तो आपका ये आता है कि जो सारी चीज़ें होंगी यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होगी। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो कंपनी का ओनर है वही सारी चीज़ों को देख सकता था, ऑपरेट कर सकता था, मैनेज कर सकता था, यानी कि उसके पास में ही केवल ये पावर होती थी, जैसे कि कंप्यूटर के टाइम पे या कुछ भी चीज़ें। लेकिन आज के टाइम पे क्या है कि आपका एम्प्लॉय जो है वो भी सारी चीज़ों को यानी ट्रांसपेरेंट, यानी पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो भी सैलरी वगैरह है, जो भी उसकी लीव्स वगैरह है, तो मैनेजर ही देख सकता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, एम्प्लॉय के पास में उसका एम्प्लॉय कोड है और यूज़र आईडी पासवर्ड वगैरह है, तो वो अपना खुद जाकर के ईआरपी पे या फिर उसका एक सेवियर होता है, सिस्टम होता है, तो उसमें जाकर के अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से देख सकता है कितने दिन वो कंपनी गया है और क्या हिसाब से उसकी सैलरी बन रही है। तो यानी कि सभी लोगों को ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि यानी ट्रांसपेरेंट हर एक तरीके के लोगों को देखने को मिला। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों, कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इररिवर्सिबल होते हैं, यानी कि कोई भी हमने ट्रांजेक्शन किया, जैसे हम यूपीआई बैंक ट्रांजेक्शन्स की बात करते हैं ना, जब भी हम अपना लेकर के जाते हैं चेक, क्या बोलते हैं उसको, जो पासबुक, हाँ पासबुक, उसको लेकर के जाते हैं, तो उसको जब भी हम लेकर के जाते हैं उसको प्रिंट कराते हैं, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए होते हैं, मान लो कि हमने 10 रुपये किसी को दिए, फिर 20 रुपये कहीं से लिए, फिर उसके बाद में फिर 100 रुपये किसी को दे दिए, फिर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो वो हमारे पूरे के पूरे पासबुक के अंदर क्या होते हैं, वो छप करके आ जाते हैं, और वो क्या होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। यानी कि सबसे पहली बात तो क्या है कि आप ट्रांसपेरेंसी दी जा रही है, यानी कि केवल बैंक ही इन चीज़ों को नहीं देख रही है, वो आपको ट्रांसपेरेंट बना रही है कि यानी आप भी देख सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि इररिवर्सिबल, यानी कि एक बार जो चेन क्रिएट हो गई, एक बार अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया तो वो इररिवर्सिबल, यानी कि आपको ट्रांजेक्शन वो देखने को मिलेगा ही, अगर आप चाहोगे भी कि वो हटा दिया जाए उधर से तो वो नहीं हटेगा, ठीक है। तो ब्लॉक चेन क्या इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी दैट रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर इन अ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, यानी कि सिक्योर तरीके से और ट्रांसपेरेंट मैनर से जब भी हम कोई डेटा को सेव करते हैं तो वही क्या हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। तो ये एक तरीके की जो मतलब कड़ियाँ होती हैं जो कि आपस में जुड़ी हुई होती हैं, लिंक टुगेदर, ठीक है। हाउ इट विल वर्क, किस तरीके से काम करेंगी, तो सबसे पहले कि हम देखते हैं कि जो भी ई चैन जो भी होता है, हर एक जो भी यहाँ पर आपको जो दिखाई पड़ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन है इस चैन, इस कड़ी के अंदर, ईच ब्लॉक के अंदर, ये मान लो ये एक ब्लॉक है तो इसके अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ, 10 रुपये का हुआ, 20 रुपये का हुआ, उसके बाद में फिर आगे हो गया, ठीक है, तो इसमें भी कोई ना कोई ट्रांजेक्शन हुआ, तो यानी कि ये जुड़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो हर एक बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं और हर एक जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जब भी कोई ऑकर होता है तो वो एक नए ब्लॉक के साथ में जुड़ जाता है, इसके आगे ऐसे जुड़ जाएगा, फिर इसके आगे आने वाले टाइम कोई ट्रांजेक्शन होगा तो ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो है वो जुड़ता चला जाएगा, तो प्रीवियस वन से क्रिएटिंग अ कॉन्टिन्यूस चैन ऑफ द ब्लॉक, तो दिस इज़ कॉल्ड द ब्लॉक चैन। इसका एग्जाम्पल आप देखने को देख सकते हो सप्लाई चैन मैनेजमेंट में, या फिर सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो आप देखते हो ना ट्रांसपेरेंसी, अपने UPI के थ्रू अगर आपने कोई पेमेंट वगैरह करी तो सारी की सारी चीज़ें आपको आपके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो उसका वो एग्जांपल भी लिख सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी आप लिख सकते हो। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था, मान लो हमने कोई चीज़ मंगाई, पहले के टाइम पे आती नहीं थी, ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ऑनलाइन कोई चीज़ें हमको मिलती नहीं थी, हमको जाना पड़ता था फिजिकल तरीके से मार्केट में लेने के लिए। जब ऑनलाइन का सिस्टम आया तो कुछ दिनों तक हमारे पास में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, लेकिन अब अगर हम फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह से ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास में चीज़ की ट्रांसपेरेंसी होती है कि हम देख सकते हैं, अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा ऑर्डर पहुँचा है। तो कंपनीज यूज़ ब्लॉकचेन टू ट्रैक द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रॉ मटेरियल से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक की, कस्टमर के डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी होती है। हर एक तरीके की जो भी होती है ब्लॉक्स बने हुए होते हैं
जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए होते हैं वो सारे की सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे हमारा फ्रॉड को रिड्यूस किया जा सकता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जा सकता है और हमारी ट्रेसिबिलिटी जो होती है यानी एक रिलायबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारे इसके यहाँ पर कुछ की फीचर्स दिए गए हैं। सिक्योरिटी इरिवर्सिबल, डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब कि हर कोई देख सकता है, ये नहीं कि केवल मैनेजर ही देखेगा, आपका एम्प्लॉय भी देख सकता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, इसके स्कोप फीचर्स ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैंने सारी चीज़ों को सेपरेट वीडियोस में सब कुछ बताया। इसमें कुछ एक चैलेंजेस हैं, जैसे इसमें कॉस्ट लगती है, एजुकेशन की अवेयरनेस होती है, प्राइवेसी सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, एनर्जी कंजप्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों? ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो पहले हम क्या बात करते हैं, जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर क्या होता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते थे तो उसको कट करते थे, जिससे हमारा जो भी मटेरियल होता था उस बहुत ही ज़्यादा वेस्टेज होता था। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज़ हमारे पास में ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड की हेल्प से हमको क्या करना है, ये रॉड है और इस रॉड की हेल्प से हमको ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हम पहले के टाइम पे क्या करते थे, इसके अंदर ऐसे छेद करेंगे, है ना, यानी इस तरीके से हम इसके अंदर होल करेंगे कि इस तरीके का। ठीक है, ऐसे मान लो कि यहाँ पर इस तरीके का छेद हो गया, ये जैसे आपको देखने को मिल रहा है ना। ठीक है, इसके बाद में इसकी हम कटिंग करेंगे, ये जो आपको अलग अलग तरीके के इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिल रही, तो ये जो पाइप है इसको हम इस तरीके से इसमें कटिंग करेंगे, तब जाकर के ये ऐसे शेप में आएगा। तो इसको, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेस्टेज, बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल देखने को मिलता है। देखो जैसे कि इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा मशीनिंग, इसमें बहुत सारे मशीनिंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं, कटिंग, ड्रिलिंग, सब कुछ देखने को मिलता है, तब जाकर के आप इसका शेप दे पा रहे हो। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था, इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वेस्ट है, बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, इस वेस्टेज को कम करने के लिए हमने क्या किया, अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसके अंदर इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं कि पहले से हम चीज़ों का 3D प्रिंट बना लेते हैं। 3D प्रिंट के अंदर जो हमारा CAD सॉफ्टवेयर होता है, एक CAD सॉफ्टवेयर होता है, इसको अभी हम आगे एग्जांपल लेते हैं। ये देखो ये CAD सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये CAD सॉफ्टवेयर है, इसको कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी इसमें हम पहले जो भी हमको जिस भी तरीके का प्रोडक्ट चाहिए उसका हम डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, 3D तरीके से देख लेते हैं उसको, 360 एंगल से देख लेते हैं कि ऊपर से कैसा दिखेगा, साइड से कैसा दिखेगा, उसका साइड व्यू क्या रहेगा, फ्रंट व्यू क्या रहेगा, हर एक तरीके के व्यू को देख लेते हैं। एनालाइज करने के बाद में हम लेयर बाय लेयर चीज़ों को क्या करते हैं, लेयर बाय लेयर चीज़ों को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, जिससे हमारा जो भी काटने की जो प्रक्रिया हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग हो रही है, मशीनिंग, जो भी मशीनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है ना, ये बहुत ही कम होंगी। ठीक है, इसमें इट इज़ ऑल्सो नोन एज द 3D प्रिंटिंग, ठीक है, या प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑफ 3D ऑब्जेक्ट्स। इसमें लेयर बाय लेयर का ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, बेस्ड ऑन द डिजिटल डिज़ाइन, यानी जो भी हमने डिजिटल डिज़ाइन कंप्यूटर CAD सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई होती है, उस CAD सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि पहले के टाइम में हमने क्या किया था, रॉड को लिया था, उसके अंदर इस तरीके का छेद किया, फिर उसके बाद में उस तरीके की डिज़ाइन बनाई। लेकिन अभी हमने क्या किया कि हमने लेयर बाय लेयर, यानी कि हमको यही चीज़ बनानी है, तो हमने सेम तरीके की चीज़ को क्या किया कि पहले से ही उसका हमने एक डिजिटल ओवरव्यू ले लिया CAD सॉफ्टवेयर की हेल्प से, देन उसके बाद में पहले ही से उसमें जो भी है मशीनिंग वगैरह इस तरीके की करी और उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो इसमें हमारी बहुत ही कम कॉस्ट लग रही है और बहुत ही, मतलब हमको बहुत ज़्यादा कम मशीनिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा कटिंग होती थी मटेरियल फ्रॉम द सॉलिड ब्लॉक्स, उसको हटाया जाता था, अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग को बहुत सारी चीज़ें करी जाती थी, मशीनिंग प्रोसेस को किया जाता था, लेकिन अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सिंपल सी बात यह है कि कम मशीनिंग प्रोसेस होता है, कम वेस्टेज होता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। CAD सॉफ्टवेयर का आपको एग्जांपल देना है, इसके एडवांटेजेस यही है कि इसमें डिज़ाइन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। मान लो एक बार हमको डिज़ाइन नहीं समझ में आए तो हमने दूसरा डिज़ाइन तैयार कर लिया, तीसरी बार डिज़ाइन तैयार कर लिया, क्योंकि कंप्यूटर में होता कौन सा हमको दोबारा से पैसे वेस्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था, पहले आपको फिज़िकल डिज़ाइन देखना पड़ता था बना बना करके, फिर ख़राब हुआ फिर उसको हटाओ, फिर दोबारा बनाओ, तो टाइम भी लगता था, कॉस्ट भी लगती थी, कस्टमाइजेशन
रैपिड प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप भी आप आसानी से कर सकते हो जल्दी से, देन मटेरियल वेस्ट को कम कर सकते हो, इसके कुछ एक एडवांटेजेस हैं, इफेक्टिव होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें टाइम लगता है बिल्ड अ टाइम, ठीक है, इक्विपमेंट और यानी स्किल मैन पावर चाहिए, लिमिटेड मटेरियल के ऑप्शन है, हर एक चीज़ों में आप इसको अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग को नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये भी एक ट्रूथ है, और हाई एंट्री लेवल कॉस्ट, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, हम ऑन डिमांड मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सिंप्लीफाई सप्लाई चेन कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, रिड्यूस लीड टाइम, ये सभी चीज़ों को कर सकते हैं। ये पूरा इसका प्रोसेस दिया गया कि हमारे पास में अगर कोई आइडिया है तो उसको हम तुरंत प्रोटोटाइप बना सकते हैं, ठीक है, आइडिया के बाद में हम तुरंत उसको क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइप उसका बना सकते हैं कंप्यूटर पर ही, उसके बाद में अगर हमको समझ में आता है उसका हम प्रोडक्शन, असेंबली, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, रिटेल एंड देन कस्टमर, तो ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग का। कन्वेंशनल SCM और AM बेस्ड यानी अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड SGM में क्या अंतर होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई कि हाई कॉस्ट इसमें पहले लगती थी, पहले इन्वेंट्री सिस्टम भी बहुत सारा लगाना पड़ता था, टाइम ज़्यादा लगता था, सप्लाई चैन पुश सप्लाई चैन ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन आज के टाइम पे आपको वही सारी जो भी चीज़ें होती हैं सिंपल देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ मास कस्टमाइजेशन। मास कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले के टाइम पे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे तो उसको क्या करते थे कि ऐसा बनाते थे कि कस्टमर को वो खरीदना है, जैसे हम देखो कि कोई भी लैपटॉप या डेस्कटॉप की बात करें तो जैसा एज इट इज़ वो बनता था तो एज इट इज़ कस्टमर के पास में जाता था, अगर कस्टमर को कुछ उसमें अलग से एडिशनल चेंजेस करने तो वो नहीं कर सकते थे। लेकिन मास कस्टमाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम मास मैन्युफैक्चरिंग तो करते हैं लेकिन साथ ही साथ में कस्टमर को ये एडवांटेज भी देते हैं कि वो अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज़ करवा सकता है। जैसे कि अगर हमको डेस्कटॉप कस्टमाइज़ करवाना है, हमको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो हम अपना SSD लगवा लेंगे जो जिसके पास में हाई स्टोरेज होगी, ठीक है, हम अपने हिसाब से रैम वगैरह को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं उसको, है ना, उसकी कैपेसिटी को और उसकी जो स्टोरेज होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कस्टमाइजेशन हमको देखने को मिलते हैं। तो मास कस्टमाइजेशन इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच होता है दैट कम्बाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द पर्सनलाइजेशन ऑफ द कस्टमर मेड प्रोडक्ट, जैसा कस्टमर चाहता है उसको वैसा एज इट इज़ प्रोडक्ट दिया जाए, ठीक है। तो अलाउज कस्टमर टू कस्टमाइज और पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेज, यानी कैसा इंडिविजुअल को प्रेफरेंस है, कैसा वो दे रहे हैं, किस तरीके से अगर आप चाहते हो उस तरीके का वो आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मोबाइल वगैरह होते थे पहले, आप देखते थे कि मोबाइल छोटे छोटे वाले आते थे, जैसे आप लेकर के आए उसको वैसे ही देखना पड़ता था ना, उसमें कोई कवर ना कुछ, ठीक है। लेकिन आपको जब से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलने लगा तो आप अपने हिसाब से कवर को चूज़ कर सकते हो, अपना पीछे का उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो पीछे का, है ना, उसका लुक अपने मोबाइल का अलग डिफरेंट बना सकते हो, यूनिक बना सकते हो। इसके टाइप्स की हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देख लो। इसके एग्जांपल में वही बताया गया है कि कोई भी एक पर्सन है जिसको डेस्कटॉप की रिक्वायरमेंट है तो मास कस्टमाइजेशन के अंदर वो अपने हिसाब से रैम को चूज़ कर सकता है, अपने स्टोरेज कैपेसिटी को चूज़ कर सकता है, उसको हार्ड डिस्क ड्राइव चाहिए या फिर SSD चाहिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव चाहिए, ठीक, क्या उसका ग्राफिक कार्ड होगा, क्या कंपोनेंट्स अलग अलग होंगे, तब वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन के हिसाब से ऑर्डर दे सकता है, उसके हिसाब से उसको डेस्कटॉप उसका रेडी हो जाएगा, बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल था कस्टमाइज डेस्कटॉप का, ये आपका कस्टमाइज डेस्कटॉप है, ठीक है। देन इसके टाइप्स की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए थे इसके टाइप्स, देखो इसके 4 टाइप्स होते हैं, कोलेबरेटिव, अडेप्टिव, ट्रांसपेरेंट एंड कॉस्मेटिक, ठीक है, 4 टाइप होते हैं, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कस्टमाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं तो 4 तरीके की, सबसे पहले कोलेबरेटिव कस्टमाइजेशन। कोलेबरेटिव कस्टमाइजेशन में जो आपका कस्टमर है इसके साथ ही साथ में आपका कस्टमर के साथ ही साथ में जो आपका मैन्युफैक्चरर है दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम अपने इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब हम अपने घर के फर्नीचर को सही करवाते हैं ना कि हमको फर्नीचर को बनवाना होता है तो हम भी इन्वॉल्व होते हैं अपने, और जो मैन्युफैक्चरर है उसको भी बता देते हैं कि ये इस तरीके की हमको घर में रिक्वायरमेंट है, ऐसा फर्नीचर हमको चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए, डायमेंशन होना चाहिए, तो दोनों लोग बैठ करके डिसाइड करते हैं और तब जा करके वो जो जैसा भी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसा भी इंटीरियर हमको
फर्नीचर चाहिए वो हमको मिल जाता है। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ कोलेबरेटिव कस्टमाइजेशन। देन एडेप्टिव कस्टमाइजेशन के अंदर हम किस चीज़ की बात करते हैं, जैसे कि कुछ हम कस्टमर को चॉइसेस दे सकते हैं कि अलग अलग तरीके की, जैसे हमने पिज़्ज़ा अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया तो उसमें यानी कि उसको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दे सकते हैं, आपको कौन सी तरीके की सॉस चाहिए, है ना, ग्रीन सॉस, रेड सॉस, या फिर क्या म्यूनीस चाहिए, या फिर अलग अलग तरीके के नहीं होते हैं, सेजवान बर्गर होता है, कौन सा होता है, तो अलग अलग तरीके की जो भी होते हैं उसको हम दे सकते हैं कि आपको ये चाहिए या ये चाहिए, मेन्यू को देखो उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है, उसको ऑप्शन दे देते हैं अपने कस्टमर को। देन थर्ड आपका आता है ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन के अंदर हम बात करते हैं कि हम अपने कस्टमर को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, यानी इसको सारी चीज़ें बता देते हैं, जैसे हम अपने रिचार्ज वगैरह करवाओ ना तो देखने को मिलता है कि 199 का भी रिचार्ज है, इसके अलावा 299 का भी है, 499 का भी है, तो हमको किस तरीके की नीड है, यानी हमको 20 दिन का रिचार्ज करना है, 1 GB डेटा चाहिए, तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन के, यानी कि इसमें हम और हमारा कस्टमर दोनों, यानी मैन्युफैक्चरर और कस्टमर दोनों ही क्या है, ट्रांसपेरेंट है, दोनों को पता है कि क्या किसका प्राइस रहने वाला है, कौन सी फैसिलिटी किस प्राइस के अंदर उसको अवेलेबल होगी, तो ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन। देन कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन, कॉस्मेटिक जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि उसकी शक्ल सूरत बनाने से है, तो जैसे हमने कोई लैपटॉप वगैरह ख़रीदा तो उसमें हम अपने हिसाब से उसके वॉलपेपर लगा सकते हैं, उसको चेंजेस करवा सकते हैं, उसको डिज़ाइनिंग, उसको लुक्स अलग थोड़ा डिफरेंट दे सकते हैं, तो इट्स लाइक अ पर्सनलाइज द लुक ऑफ द स्मार्टफोन, कि किस तरीके का हमको स्मार्टफोन दिखना चाहिए, हमको किस तरीके का उसकी अपीयरेंस कैसा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, इस बेस्ड के ऊपर हम कॉस्मेटिक्स कस्टमाइजेशन को यूज़ करते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द मास कस्टमाइजेशन, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंसेस की, तो इसको शॉर्ट में CX के नाम से भी बोल सकते हो। ये क्या होता है कि दिस इज़ द ओवरऑल सेटिस्फैक्शन दैट अ कस्टमर हैज़ विद अ कंपनी और ब्रांड थ्रू आउट द कस्टमर जर्नी, यानी कि पूरे कस्टमर जर्नी के अंदर कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, यानी कि प्री परचेज से लेकर के जब तक कस्टमर ने परचेज़ नहीं किया कोई प्रोडक्ट, और अगर उसने परचेज़ भी कर लिया तो भी उसकी दिक्कतों का, समस्याओं का समाधान को सुनना, ये पूरा जो भी होता है वो कस्टमर एक्सपीरियंसेस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप इसको देते हो तो ये क्या होता है, कस्टमर एक्सपीरियंसेस के अंदर आता है कि ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर विद इन अ कंपनी और ब्रांड, ठीक है, कि कस्टमर जर्नी, जब तक हमने कोई प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा, जैसे हमने कोई प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा, हमको लैपटॉप चाहिए, तो हमको मार्केटिंग हमको मिल रही कि हाँ लेनोवो का लैपटॉप ख़रीद लो, या फिर HP का ख़रीद लो, डेल का ख़रीद लो, तो मार्केटिंग से लेकर के हमने लैपटॉप ख़रीद भी लिया, उसके बाद में भी हमको क्या क्या सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कस्टमर एक्सपीरियंस के अंदर ही आते हैं। तो दिस इज़ द क्रूशियल फॉर बिल्डिंग कस्टमर लॉयलिटी, यानी इससे कस्टमर लॉयलिटी, कस्टमर ट्रस्ट को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके रिटेंशन को बढ़ा सकते हैं, और बिजनेस ग्रोथ में ये हेल्प कर सकता है। तो इसमें कुछ एक की पॉइंट्स हैं, जैसे कस्टमर नीड्स को समझो, कस्टमर जर्नी को डिफाइन करो, एम्पावर एम्प्लॉयज़, और उसके बाद में फीडबैक लो कस्टमर से, और जैसा भी हो कंटीन्यूअस प्रोसेस को करो, देन उसके बाद में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच को लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरो साइंस इन द बिजनेस, ठीक है। ये क्या है न्यूरो साइंस, जैसा न्यूरो साइंस का मतलब होता है तीन आपके बॉडी पार्ट जो भी आपके आते हैं, जैसे आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है, आपका ब्रेन होता है, ब्रेन के बाद में होता है स्पिनल कॉर्ड एंड द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी, ये आपका ब्रेन हो गया और ये आपकी स्पिनल कॉर्ड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी हो गई, उसके बाद में यहाँ से निकलने वाली जो नसें होती हैं जो कि आपके पूरी बॉडी के अंदर रहती हैं, चाहे वो आपकी हाथ हो, चाहे वो आपके पैर हो, हर जगह पर, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना होता है दोस्तों, ये चीज़ को देखना होता है, स्टडी ऑफ द नर्व सिस्टम विच इंक्लूड्स द ब्रेन स्पिनल कॉर्ड्स एंड द नर्व्स थ्रू आउट द बॉडी, इट एक्सप्लोर्स हाउ दीज पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क, यानी कि किस तरीके के बॉडी हमारी काम करेगी, हाउ दे अफेक्ट अवर थाट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर, किस तरीके से हमारे थाट्स, बिहेवियर और फीलिंग्स अफेक्ट होंगे, ये सारी की सारी जो भी चीज़ें होती हैं वो न्यूरो साइंस के अंदर ही आती हैं। तो ये हमारा बिजनेस में किस तरीके से हेल्प कर सकता है, बिजनेस में हमारा इसी तरीके से हेल्प करेगा कि जो भी हमारे नर्व सिस्टम है वो हम उनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने ब्रेन्स के हेल्प से क्या कर सकते हैं, कस्टमर के यानी कि बाइंग बिहेवियर को समझ सकते हैं और डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकती है, ठीक है। तो न्यूरो साइंस
यही चीज़ बताएगा कि कस्टमर से रिलेटेड कस्टमर के हम बिहेवियर को समझ सकते हैं, उसके हिसाब से मार्केटिंग कर सकते हैं और डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बताई गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, जिसको आप शॉर्ट में बोल रहे हो। तो IoT का मतलब ये कॉन्सेप्ट है। IoT में हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में अभी डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों कि ऐसा नेटवर्क होता है ये IoT कि एक अपने जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे घर के अंदर या फिर हमारे ऑफिस के अंदर या फिर हमारे कार के अंदर, जितनी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, होम अप्लायंसेस होते हैं, उन सभी को हम अपना क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं अपने इंटरनेट की हेल्प से या फिर कोई डिवाइस की हेल्प से, सेंसर्स की हेल्प से, ठीक है। जैसे हमने कोई भी हमने अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करके रखा हुआ अपने मोबाइल की हेल्प से, तो हम अपने मोबाइल में कोई बटन दबाएंगे तो वो लाइट जल जाएगी, ठीक है। दूसरी दबाएंगे तो हमारी टीवी खुल जाएगी, फ्रिज ऑन हो जाएगी, ठीक है। ये एक सारी चीज़ें क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जांपल है। इसके अलावा हम जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल वगैरह का यूज़ होता है ना, कि हम बैठे बैठे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। जो भी मशीन है, कोई सामान उठाना है वहाँ से, तो हम वहाँ पर उठाने नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से केवल कंट्रोल पैनल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, मशीन को इनपुट दे रहे हैं, वो प्रोसेस हो रहा है उस हिसाब से और आउटपुट हमको बना करके दे रहा है। हमको कोई सामान उठाना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर एंड लिफ्टिंग दैट पर्टिकुलर हैवी वेट और दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, हम क्या कर रहे हैं कंट्रोल पैनल की हेल्प से मशीन को डायरेक्शन देते हैं, मशीन जा रही है उठा करके ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रही है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एग्जांपल है। तो इट स्टैंड्स फॉर द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये एक तरीके का नेटवर्क होता है फिजिकल डिवाइसेस का और आपके होम अप्लायंसेस का, जहाँ पर सारे के सारे सेंसर सॉफ्टवेयर सारी की सारी चीज़ें जो भी होती है कनेक्टेड होते हैं आपस में, एक्सचेंज डेटा एंड इंटरनेट, ठीक है। जैसे आप अपनी कार का एग्जांपल ले लो, कार में आपका फ्यूल कितना है, स्पीड क्या है, किस लोकेशन पे आपकी कार है, ये सारी की सारी चीज़ों को आप अपने मोबाइल की हेल्प से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। सो इट कनेक्ट द एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू द इंटरनेट एंड ईच अदर, अलाउइंग देम टू कलेक्ट एंड शेयर डेटा, ऑटोमेटेड टास्क एंड मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि आप अपनी मोबाइल में की हेल्प से ही जो डिजिटल LED बल्ब्स आ रहे हैं उसमें उसका कलर चेंज कर सकते हो। जैसे आपको येलो चाहिए तो येलो हो गया, आपको ग्रीन चाहिए, जेड चाहिए, जैसा भी आपको कलर चाहिए आप अपना मोबाइल उसको बता दो। तो ये क्या हो गया एक तरीके का IoT का एग्जांपल हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा खासा यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, स्मार्ट होम में, हेल्थ केयर में, स्मार्ट सिटीज़, इंडस्ट्रियल एरिया में है, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन में देखने को मिलते हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसमें, कन्वेंस होता है, एफिशिएंसी होती है, डेटा इनसाइट्स, रिमोट मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है और कॉस्ट ज़्यादा लगती है। इसी तरीके से हमारा यूनिट सेकेंड भी ख़त्म हो चुका है, यूनिट थर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं। काफ़ी लेंथी यूनिट था यूनिट सेकेंड और हमने उसको ख़त्म कर लिया है। यूनिट थर्ड के ऊपर हम आ चुके हैं। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर से जा कर के कोई भी आपको पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो उसको आप देख सकते हो, या फिर आप कहीं से भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी टॉपिक को डालो, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यूनिट थर्ड को हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट थर्ड में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज़, सो यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी इन सेक्टर टू थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये दोस्तों आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा यूनिट फर्स्ट के, सॉरी आपके अपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि आपके मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर था, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, यानी कि टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, इसको आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और लोगों को काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन इसको आप केवल और केवल डायग्राम की हेल्प से समझोगे ना, ये आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप केवल इसका डायग्राम देखो और समझ में आ जाएगा। तो टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी के अंदर क्या चीज़ की हम बात करते हैं, टू सेक्टर के अंदर जिसमें केवल दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, आप केवल इतना समझना कि दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक आपका होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म। हाउस होल्ड का मतलब कि हम जैसे घर,
है ना। तो हम लोग जो साधारण लोग होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल तरीके से जितने भी हम अपना सर्विसेज होता है, यानी हम अपना जा जा करके फैक्ट्रीज़ वगैरह में, कंपनियों में जा करके काम करते हैं, ठीक, हम अपनी सर्विस देते हैं, हम अपने जो हमारा रॉ मटेरियल होता है वो देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अपना ज़मीन भी देते हैं कंपनी वगैरह को, उसके बदले में जो फर्म्स होती है वो हमको क्या देती है, बदले में हम अगर काम कर दें वहाँ जाकर के तो हमको वेजेस मिल रहा है। अगर हमने हमने अपनी ज़मीन दे दी है फर्म्स को तो हमको वहाँ का रेंट मिल रहा है, ठीक है। और अगर हमने कोई चीज़ की ओनरशिप ले करके रखी है तो उसका हमको डिविडेंड यानी वो सारी चीज़ें मिल रही, तो हम बदले में कुछ ना कुछ, यानी हमारे और हमारे फर्म के बीच में जो भी बिजनेस फॉर्म्स हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, चाहे हम अपना लैंड लेवल कैपिटल दे रहे हैं और फर्म्स हमको क्या दे रही हैं, वेजेस दे रही हैं, रेंट दे रही हैं उसके बदले में, तो ये जो हमारे दो लोगों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच में, ये टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। देन थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर क्या बात होती है, इसके अंदर आपका इसके अंदर आपका यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट भी आ जाता है। एक मिनट, यहाँ पर देखो ये जो आपका टू सेक्टर इकोनॉमी है ना, ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तभी यहाँ पर मैंने लिख करके रखा हुआ है सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। जब हमारा कुछ कुछ भी इन्वॉल्व नहीं होता है वो क्या होता है, विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब हमने कोई भी चीज़ को कोई भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जब हमारे केवल दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रहा है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, तो वो क्या हो गया कि विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर जब बिजनेस फॉर्म जो भी बिजनेस फॉर्म है और हाउस होल्ड यानी कि जो भी घर होते हैं उनके बीच में अगर फाइनेंशियल मार्केट यानी कोई भी बैंक वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पर हम जब भी जो भी बैंक वगैरह आ जाती है तो वो क्या हो गया कि विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बैंक आकर के बैंक ने क्या काम किया, बैंक जो भी हमारी सेविंग्स होती है उसको क्या करती है, लेती है, ठीक है। हम अपनी सेविंग्स को बैंक में ही तो रखते हैं जाके, मान लो हमारे पास ज़्यादा पैसा तो हम अपना बैंक में रखेंगे, उसके बदले में जो बैंक होगी वो क्या करेगी, बिजनेस फॉर्म्स को क्या देगी, लोन वगैरह देगी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हम अपनी सेविंग को क्या करें, बैंक में रख रहे हैं, उसके बदले में बैंक हमको क्या दे दे, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रही है, ठीक है। और इसी जो हमारा पैसा है वही क्या कर रही है, जो बैंक है वो बिजनेस फॉर्म्स को लोन के फॉर्म में दे रही है और उसके बदले में उससे क्या कर रही है, उससे इंटरेस्ट वगैरह ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब भी हमारे जो हाउस होल्ड्स और जो बिजनेस फॉर्म्स हैं उनके बीच में अगर जब भी फाइनेंशियल मार्केट यानी आपकी बैंक्स वगैरह आ जाती है, तो वही क्या हो गया कि विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहला आपका क्या था, ए नंबर पे था विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेकंड नंबर पे क्या आ गया कि विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब आपका आता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर में क्या चीज़ की बात हो रही, जब आपकी हाउस होल्ड बिजनेस फॉर्म्स और ये जो बैंक है ये भी हो और इसके साथ ही साथ में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट हमारी किस तरीके से हेल्प करती है, हमको हमसे टैक्सेस लेती है, यानी कि जो हाउस होल्ड्स हैं उनसे टैक्सेस लेती है, ठीक है। बहुत सारे रोड वगैरह हो गए, रोड टैक्सेस हो गया, घर के टैक्सेस हो गया, वाटर टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया, ये सभी चीज़ें हमको लेती है और उसके बदले में हमको राशन देती है, हमको स्कॉलरशिप्स देती है ना, और बहुत सारे अलग अलग हमको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है। और इसी तरीके से गवर्नमेंट जो भी है वो बिजनेस फॉर्म से भी क्या करती है, टैक्सेस को लेती है और उसके बदले में क्या करती है कि उनको गुड्स और जो भी है, मतलब बिजनेस फॉर्म्स को भी क्या करती है कि काफ़ी सारी सुविधाएं, जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप्स को बढ़ावा देना और काफ़ी इनकरेजमेंट के काम, बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी होती हैं उनके हेल्प से जो भी कंपनियां होती हैं, बिजनेस फॉर्म्स होती हैं, काफ़ी ग्रो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है तो दैट कम्स अंडर द थ्री सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पर बात करते हैं कि फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जब सारी चीज़ें होती हैं आपकी हाउस होल्ड होते हैं, बैंक फॉर्म बैंक भी होती है, फाइनेंशियल मार्केट भी होती है एंड बिजनेस फॉर्म्स भी होते हैं, गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ में आपकी फॉरेन मार्केट भी आ जाती है, यानी फॉरेन कंट्रीज़ की मार्केट भी आ जाती है। तो ये क्या करती है कि हमसे जो भी सामान होता है वो इम्पोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, इस सबसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको करने के लिए जो भी हमारे
बाहर की कंपनियां आ जाती है, यानी फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनियां आती हैं और वो हमसे भी उनके साथ में भी हम ट्रांजेक्शन्स करने लगते हैं लेन देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के हेल्प से, तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया है ना कि पहले में क्या था दूसरे में क्या था, पहला आपका कुछ नहीं था, केवल जो ट्रांजेक्शन्स था वो आपका किसके किसके बीच में हो रहा था, हाउस होल्ड्स और फॉर्म्स के बीच में। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस फॉर्म थी और जो हाउस होल्ड्स थे उनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा था। देन उसके बाद में बैंक भी बीच में आ गई, देन बैंक के बाद में गवर्नमेंट बीच में आई, देन गवर्नमेंट के बाद में जब फॉरेन कंट्रीज़ की मार्केट है वो भी बीच में आ गई, तो फिर क्या हो गया कि फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बन गया है। हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी की। तो देखो, लीनियर इकोनॉमी क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। लीनियर इकोनॉमी का ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम क्या बात करते हैं कि कोई भी हमने प्रोडक्ट को बनाया, टेक मेक एंड डिस्पोज, यानी कि हमने रॉ मटेरियल को टेक किया, उसको मेक किया, बनाया और डिस्पोज कर दिया। जैसे यूज एंड थ्रो वगैरह के पेन देखो ना, हमने उसको बनाया और यूज़ करके फेंक दिया उसको, तो ये क्या है, लीनियर इकोनॉमी, यानी कि लीनियर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है कि हम चीज़ों को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर तक जाकर के, उसका यूज़ कस्टमर करता है, उसके बाद में उसको फिर से रिपेयर या फिर से रीयूज़ कर लिया जाता है, रिसाइकल कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हो कि जो भी प्लास्टिक से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गए या फिर आपके जो भी इलेक्ट्रिक तरीके के सामान हो गए ना, आप जब उनको काम में नहीं आते हैं तो आप जाकर किसी चीज़ों को बेच देते हो ना, फेंकते तो नहीं हो कि उसको कबाड़ में फेंक दिया फिर उसको कूड़े में फेंक दिया, ऐसा तो नहीं करते। मतलब अगर आपकी घर की टीवी ख़राब हो गई, आप उसको नई टीवी को लेकर के आना चाहते हो, तो उसको आप किसी ना किसी को देखते हो, भले ही जंक डीलर को दो, कबाड़ वाले को दो, लेकिन आप उसको देते हो, तो वो जाकर के उसको फिर से कुछ ना कुछ उसके इंपॉर्टेंट जो भी अच्छे पार्ट्स होते हैं उनको निकाल करके वो और किसी दूसरी चीज़ों में लगा लेता है। तो लीनियर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पुराना हो चुका है और जो अब कंपनियां हैं वो सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर बात करती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द इकोनॉमिक सिस्टम एम्ड एट द मिनिमाइजिंग वेस्ट, इसमें वेस्ट को कम करने की कोशिश करी जाती है, मेकिंग द मोस्ट इफिशियंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोडक्ट मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज आर केप्ट इन द यूज ऑफ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा लंबे समय तक होता है हम चीज़ों को रखते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिसाइकलिंग, रिड्यूस एंड रिफ्यूज, रीयूजिंग, इन सबसे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको रखते हैं। जैसे पॉलीथिन्स वगैरह हो गई ना, तो पॉलीथिन्स में हम क्या करते थे पहले कि हम उनको फेंक देते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम उनको क्या करते हैं, उसको फिर से हम उसको दोबारा से यूज़ करना चाहते हैं। अब मतलब अभी भी कोई नहीं करता है, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन एक तरीके का मैं बता दूँ कि पॉलीथिन्स को भी अब लोग क्या करते हैं कि उसको भी लेते हैं, लेकर के उसको उसका कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि कोई डिफरेंस बताओ लीनियर और सर्कुलर इकोनॉमी में, उसको आप इस तरीके से बता सकते हो। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब देखो, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर किस चीज़ की बात होती है ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक तरीके का ऐसा होता है कि वे ऑफ स्टडिंग हाउ पीपल मेक डिसीजंस, यानी कि लोग किस तरीके के डिसीजंस लेंगे, बिहेवियरल यानी कि लोगों के बिहेवियर को समझना। ठीक है, यानी हर बार हर एक व्यक्ति रेशनल डिसीजन नहीं लेगा। देखो, जैसे हमको कोई भी सामान की जरूरत है, अगर मान लो हम एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खरीदने गए, एक खरीदने के लिए गए थे, लेकिन कंपनियां हैं जो किस तरीके से कस्टमर्स को अपने लालच देती हैं कि वो एक के बदले एक ना खरीदें, दूसरा खरीद लें। तो जब भी आप देखते हो कि जाकर के खरीदने तो एक जाओ, उसके बाद में बाई टू गेट वन फ्री का ऑप्शन होता है, तो आप जाकर के एक साथ खरीदने एक गए थे, लेकर के तीन चले आए, है ना। तो अगर मान लो आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल खरीदने गए जो कि आपको 100 रुपये की मिल रही, दो आपको 200 रुपये की मिलेंगी, लेकिन अगर आप दो खरीदोगे तो आपको क्या होगा कि आपको एक बॉटल फ्री मिल जाएगी, यानी कि 200 रुपये में आपको कितनी बॉटल्स मिल रही हैं, तीन बॉटल्स मिल रही हैं। तो हम सोचेंगे वाओ चलो खरीद लिया जाए, दो बॉटल ही खरीद लिया जाए। तो यानी कि कंपनियां इस तरीके से लालच दे करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। तो ये क्या होगा कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को समझना, लोगों के कस्टमर्स को बिहेवियर को समझना और उसके हिसाब से उनको लालच दे करके कुछ ना कुछ यानी अपना प्रोडक्ट सामान बेच देना। इसी तरीके से यहाँ पर एक और एग्जांपल बताया गया कि अगर कोई भी आपके पास में मान लो पैक है, कोई भी आप चाउमीन मैगी का पैकेट लेकर के आए, उसमें अगर ये चीज़ लिखा हुआ है कि 90% फैट फ्री, ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर लिखा होगी 10% फैट, तो आप कौन सा लोगे। बात दोनों में चीज़ सेम ही कही जा रही है, लेकिन अगर आप देखोगे कि 10% फैट तो आप एकदम से घबरा जाओ,
का उस चीज़ को ख़रीदो ही ना, कि अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा फैट है। लेकिन अगर उसमें ये चीज़ लिखा हुआ है कि 90% फैट फ्री, तो आप सोचोगे वाओ 90% हमको फैट फ्री मिल रहा है, चलो तुरंत खरीद लेते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका बिहेवियर को, कस्टमर के बिहेवियर को समझता हो, उसके हिसाब से डिसीजन लेना, उसके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना। कभी भी आप देखते होगे कि जब भी आलू टमाटर महंगे होते हैं तो टमाटर ये नहीं बोलता है कि 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, वो क्या करना है, बोलना स्टार्ट कर देता है 20 रुपये के 250 ग्राम, 20 रुपये पाव, 20 रुपये पाव, इस तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो हम क्या सोचते हैं कि अरे वाह 20 रुपये के अंदर हमको एक पाव मिल जाएगा, चलो खरीद लेते हैं। लेकिन अगर वही बोले 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, हम सोचेंगे अरे कितना महंगा है ना। तो ये चीज़ होती है, यही होता है दोस्तों बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यानी कि किस तरीके से लोग डिसीजन को ले सकते हैं। तो इन क्लियर टर्म्स द मेन एम ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इज टू फिगर आउट व्हाई पीपल समटाइम्स मेक डिसीजन दैट डज नॉट सीम्स लॉजिकल और रेशनल। हर बार हर कोई व्यक्ति रेशनल या लॉजिकल डिसीजन नहीं लेता है, ठीक है। जैसे हम हैं तो हम हर बार रेशनल और लॉजिकल डिसीजन नहीं लेंगे, अगर हम ये चीज़ को समझ जाएंगे कि अरे दो के साथ एक फ्री मिल रहा है, ठीक है, हम लेने एक गए थे लेकिन खरीद करके तीन चले आएंगे। तो ये चीज़ है, आपका समझ में आ गया होगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसका किस तरीके से। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ नस थ्योरी। नस थ्योरी किसके बारे में है, तो नस थ्योरी देखो पहले के ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, हमको कोई अगर काम करवाना होता था लोगों से तो हम उनको बहुत ही ज़्यादा ना कि उनको फोर्स करना पड़ता था कि ये काम करो करो, उनको पिंच करो करना पड़ता था, उनको नो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना, उनको बार बार टोकना रोकना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। लेकिन नस थ्योरी क्या है, ये आपकी थ्योरी आपकी मतलब एक तरीके से बिहेवियर में हेल्प कर सकती है। कि जैसे एक कोई मैनेजर है, छोटा सा एग्जांपल लेते, पहले के टाइम पे मैनेजर जो होता था अपने एम्प्लॉय को बार बार बोलता था कि इतना ये काम करो करो, नहीं तो तुम्हारी सैलरी काट लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो इस तरीके से जो आपका एम्प्लॉय वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो सकता था। लेकिन नस थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसमें ऐसी चीज़ों को हम डेवलप करते हैं जैसे इंसेंटिव्स प्लान, ठीक है, सैलरी आप कम दे दो लेकिन इंसेंटिव्स आप अच्छे खासे दे दो, भर के दे दो, ठीक है। यानी कि तो इससे जो आपका जो एम्प्लॉय वो ऑटोमेटिक उसको आप मैंने थोड़ा सा धक्का दिया कि हाँ अगर तुम ये करोगे तो तुमको इतना इंसेंटिव मिलेगा, अगर तुमने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो ये तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो इस तरीके से चीज़ों को ले रही हैं, अपने बिहेवियर में लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा किसी को डांटना भी ना पड़े, टोकना भी ना पड़े और उनका काम भी मतलब भी निकल जाए। तो ये जो है वो रिचार्ड थेलर एंड कैस सनस्टीन ने 2008 के अंदर इस थ्योरी को पब्लिश किया था, और इस थ्योरी के अंदर यही चीज़ बात बताई जाती है कि वे टू इनकरेजिंग पीपल टू मेक बेटर चॉइसेस विदाउट फोर्सिंग देम, यानी लोगों को फोर्स नहीं करना है किसी काम को करने के लिए, उनके ऊपर इनके डिसीजन को छोड़ना है, और ऐसा भी नहीं कि उनकी डिसीजन के ऊपर ही छोड़ दो, उनके ऊपर यू नो कि उनके ऊपर तो छोड़ो लेकिन आपको अपना काम भी करवाना है। जैसे आपने जैसे अभी पीछे देखा ना बाय टू गेट वन फ्री का ऑफर, तो अभी तक क्या कर रहे थे, जो भी मार्केट थी वो लोगों को बोल रही थी कि आओ वाओ मेरा प्रोडक्ट खरीदो, सामान खरीदो, लेकिन अब बाय टू गेट वन फ्री में आपके ऊपर है कि अगर आप खरीदोगे तो आपको ही एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और आपको उसका बेनिफिट मिल सकता है, तो हम जाकर तुरंत खरीद लेंगे, है ना। तो ये हो गया यू नो नस थ्योरी का, यानी कि गिविंग देम अ लिटिल पुश, यानी बहुत ज़्यादा उनको बताने की समझाने की जरूरत ना पड़े, आपको छोटा सा आपको केवल मोटिवेट करने की जरूरत पड़े और वो राइट डायरेक्शन में ही जाएं, बट स्टिल लेटिंग देम मेक देयर ओन डिसीजंस, यानी कि उनको उनके डिसीजन के ऊपर छोड़ दो। हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो भी मैनेजर होता है वो उनके हिसाब से छोड़ देता है कि ये तुम्हारी फिक्स सैलरी ये तो तुमको मिलेगी, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा काम करोगे तो तुमको इसका इंसेंटिव्स अलग मिलेगा। तो इट हेल्प्स टू रिस्पेक्टिंग पीपल फ्रीडम टू चूज़, यानी कि अगर कोई पर्सन है उसको अपने फ्रीडम को चूज़ करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो आप जब भी आप कोई भी टिकट्स वगैरह बुक करते हो तो इधर साइड में ऑप्शन दे देता है कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस लेना है आपको, अगर सपोज़ कोई हादसा हो जाता है कुछ हो जाता है तो उसमें ट्रैवलिंग इंश्योरेंस जो भी होता है वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो ये एक साइड में आपको बताया जाता है कि आपको मोटिवेटेड करने के लिए कि अगर आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो, कोई आपको फोर्स नहीं किया जा रहा ट्रैवलिंग इंश्योरेंस खरीदने के लिए, लेकिन फिर भी आपको एक तरीके से सजेशन दिया जा रहा है और आप उससे सेटिस्फाई होते हो तो खरीद भी लेते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप छोटा सा एक मान लो कि कहीं पर आप विशाल मेगा मार्ट जाओ या फिर कहीं पर भी बिग बाज़ार वगैरह जाओ, सामान खरीदो जा करके और
हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि अपना पॉलीथिन बैग, अपना बैग खुद लेकर के आओ, लेकिन कुछ लोग नहीं लेकर के आते हैं। वहीं पर कुछ लोग होते हैं अपना बैग खुद लेकर के जाते हैं, और जो नहीं लेकर के जाते तो उनको चार्ज पे करना पड़ता है 5, 10, 20 रुपए, है ना, तब जाकर के उनको एक एक इकोनॉमी फ्रेंडली बैग मिलता है, तो वो तब लेकर के आते हैं घर। तो ये किस वजह से किया जा रहा है कि अपने प्लास्टिक बैग्स को नो कहने की वजह से किया जा रहा है, कि अगर हम उनको फ्री में पॉली बैग्स बांटने लगेंगे तो उससे कोई भी इनकरेज ही नहीं होगा, सब अपना अपना खरीद करके क्या करेंगे, अपना सामान खरीदेंगे, पॉलीथीन बैग्स तो उनको फ्री में मिल रहे हैं, है ना, तो वो कोई भी अपना इस तरीके से इनकरेज नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उनसे एक छोटी कॉस्ट भी लेना स्टार्ट कर दिया, या तो वो अपना पॉलीथीन बैग खुद लेकर के आएंगे, या फिर वो कॉस्ट पे करेंगे, ठीक है, एक इको फ्रेंडली बैग के लिए। तो ये भी एग्जांपल है नज थ्योरी का, यानी उनका डिसीजन उनके ऊपर हमने छोड़ दिया, तुम तुम्हारे ऊपर चाहो तो तुम करो या फिर ना करो। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नज थ्योरी। इसमें कुछ एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं कि पहले हम बच्चों को सिखाते थे कि अपना रूम साफ करो, ये करो, वो करो, लेकिन आज के टाइम पे हम बच्चों के साथ में गेम प्ले करते हैं कि रूम टीडिंग रूम, कि चलो आओ सफाई करते हैं। इस तरीके से बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर लोगों को अपनी सोसाइटी के अंदर बताएं कि नो लिटरिंग, यानी कि कोई भी कूड़ा करकट नहीं फेंकेगा, अगर कोई फेंकेगा तो उसको फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बदले में हमने नस थ्योरी के अंदर क्या किया कि जगह जगह जा कर के डस्टबिन रख दिया और लिख दिया कि कूड़ा कृपया यहीं फेंकें। तो ये भी एग्जांपल हो गए। पहले के टाइम पे हम क्या करते थे, जिम जाना जरूरी है, जरूरी है, लेकिन अगर कोई पर्सन है उसको नहीं जिम जाना पसंद है तो उसके लिए हमने स्टेयर्स जीने बनवा दिए, है ना, सीढ़ियाँ बनवा दी, तो अब वो सारा दिन में 10 बार ऊपर नीचे करेगा, ऊपर किचन कर दिया, नीचे ड्राइंग रूम कर दिया बैठने के लिए सिटिंग, तो उसके खुद ही जिम हो जाएगी। तो यही चीज़ है, ट्रेडिशनल टेक्निक्स अलग होती थी, नज थ्योरी में हम थोड़ा सा लोगों को क्या करते हैं कि उनके डिसीजन के ऊपर छोड़ देते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसका बेनिफिट ही खुद ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, दैट इज़ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। एक मिनट दोस्तों, तो ये क्या मतलब, इकोनॉमिक नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल यही होता है कि जब भी कोई एक कंट्री है वो अपने होम प्रोडक्ट्स को क्या कर रही, ज़्यादातर अपनी कंट्री को ही इन्वॉल्व कर रही है चीज़ों को ख़रीदने के लिए, यानी अपनी कंट्री को प्रायोरिटाइज करना कि जिससे वो अपनी कंट्री के ही प्रोडक्ट्स खरीदने, दूसरी कंट्रीज़ को प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा वो क्या करें, उनको उनको थोड़ा सा अवॉइड करें खरीदने के लिए। देखो जैसे चाइना के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, भले ही वो सस्ते होते हैं, लेकिन हम अपने कंट्री को इनक्रेज करते हैं कि इंडिया के ही प्रोडक्ट्स खरीदो जो भी इंडिया के मेड होते हैं, चाइना मेड प्रोडक्ट्स कम कर दो। तो ये जो होता है वो वही मतलब होता है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म का मतलब यही कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी हम अपने फल फ्रूट्स को भी जो भी है अपने जितने भी अपने फार्मर हैं इंडिया के, अपने इंडियन फ्रूट्स को ही सेवन करें, ये नहीं कि बाहर के फ्रूट्स को जा कर के उनको सेवन करें, तो यानी कि बाइंग लोकल प्रोडक्ट्स। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं इसमें बात बताई गई है, वो यही है कि अ कंट्री फोकसेस ऑन इट्स ओन इकोनॉमी फर्स्ट। हम अपनी इकोनॉमी के ऊपर पहले फोकस करते हैं अपनी, यानी कि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए अपने ही प्रोडक्ट्स को जब हम यूज़ करते हैं, ऐसे रूल्स और पॉलिसीज़ बना दिए जाते हैं जो कि आप अपने बिजनेस को, आप अपने जो भी अपने बिजनेसेस को बढ़ावा देने के लिए, आप अपने प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए ज़्यादातर लोगों को इनक्रेज करते हो, या कि ये नहीं कि बाहर के प्रोडक्ट्स ज़्यादा लोग खरीदें, अपने घर के ज़्यादातर खरीदें, तो उसी को क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाहर के फल फ्रूट्स सस्ते नहीं होते, वो भी सस्ते होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्सेस लेने लगती है। जैसे आप देखो कि अगर आप कोई भी बाहर की चीज़ खरीदो ना, जैसे आप अगर जो बाहर उगता है, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, नहीं स्ट्रॉबेरी तो अपने यहीं उगती, कोई भी ऐसा फ्रूट जो कि बाहर उगता हो, है ना, कोई अमेरिकन फ्रूट हो या कोई बाहर किसी दूसरी जाति का हो, है ना, तो अगर आप उसको खरीदो तो वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। क्यों महंगा मिलेगा? क्योंकि ऐसा नहीं, ये बाहर के लोग, वो जो होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसमें थोड़ा सा जो टैक्सेस जो भी होते हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सारे टैक्स ले लेती है, वो तो अपना जो फ्रूट है वो सस्ते दामों पे दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट इस वजह से थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा ले लेती है, इस वजह से वो आपको फ्रूट ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आप बाहर का प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप बाहर के फ्रूट्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अपनी इस वजह से गवर्नमेंट ज़्यादा ले लेती है, क्योंकि वो इनक्रेज करती है कि आप अपने जितने भी इंडिया के बने हुए फ्रूट्स हैं, पैदा हो रहे हैं, उनको ख़रीदो, ठीक है। तो यही है इकोनॉमिक नेशनलिज्म,
इसका एग्जांपल ये आप लोगों ने देख लिया, ठीक, इसके कंपोनेंट्स देख लो। देन इसके बाद में हम बात करते हैं रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये क्या है दोस्तों, इस ये कॉन्सेप्ट जो है इसमें हम क्या करते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन द ग्रुप ऑफ कंट्री दैट यूजुअली इंक्लूड्स रिमूव ऑफ टैक्स बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स, सो दैट दे कैन डू फ्री फ्लो ऑफ गुड सर्विसेज एंड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिटवीन ईच अदर। तो यानी कि जैसा इस थ्योरी से आपको पता चल चुका होगा कि ये जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है वो किसके बारे में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट कि आप क्या कर रहे हो कि अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में हाथ मिला रहे हो कि वो जितने भी बैरियर्स हैं, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत सारा टैक्स लग जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ जो भी होती हैं आती हैं, साथ में हाथ मिलाती हैं और साथ में बिज़नेस को बढ़ावा देने के लिए, साथ में काम करने के लिए वो क्या करते हैं, काम को स्टार्ट करते हैं। तो दे डू दिस बाय एलिमिनेटिंग टिप्स टैक्सेस ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, यानी कि इंपोर्ट करने में जो भी टैक्स लगता है उसको ख़त्म करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है, ये इसका ही एग्जांपल आप बोल सकते हो कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि जब ए बी सी तीन कंट्रीज़ हैं मान लो, और तीनों कंट्री ने अगर सोचा कि हम साथ में व्यापार करेंगे, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो कि तुम्हारे देश में भी बेचा जाए, तुम्हारे देश में भी बेचा जाए, और हम तीनों साथ में मिलकर के काम करेंगे, तो वो आपस में क्या करती हैं कि हाथ मिला लेती हैं और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से टैक्स के जितने भी बैरियर्स होते हैं या फिर अगर कोई भी अदर बैरियर्स आ रहा होता है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी बैरियर आ रहा होता है तो उसको हटाया जाता है, ख़त्म किया जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। इसके कई सारे अलग अलग लेवल्स हैं दोस्तों, ये मैंने अलग से आपको सेपरेट वीडियोज़ में बना करके रखा हुआ है कि फ्री ट्रेड एरिया FTA ये क्या मतलब होता है। जब भी हम दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसको मैं ऐसे नहीं बताना चाहता, अगर आपको देखो शॉर्ट में समझना है तो मैंने आपको बता दिया है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, अगर आपको पूरा समझना है तो इसका सेपरेट वीडियो मैंने बना करके रखा, उसको देख लो, ये अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप, मैं रिकमेंड करूँगा एक बार सेपरेट वीडियो ज़रूर देख लो जा करके। ठीक है, इकोनॉमिक रीजनल इंटीग्रेशन का, उसमें मैंने आपको ये पांचों जितने भी पांच चीज़ें लिखी हुई ना, पांचों पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता करके रखा हुआ है। फिलहाल एक बार बता देता हूँ शॉर्ट में कि ये फ्री ट्रेड एरिया का मतलब क्या होता है कि जब भी एक मेंबर्स कंट्रीज़ होती हैं, देखो मैं बताता हूँ कि जैसे सपोज़ कंट्री ए बी सी है, तीन कंट्रीज़ हैं, तो तीन लोगों ने हाथ मिलाया और ये क्या बन गई, एक तरीके के ग्रुप बन गया। ठीक है, लेकिन कोई दूसरी भी तो कंट्रीज़ होंगी, तीन ही कंट्री तो थोड़ी नहीं है, अलग अलग और भी अदर कंट्रीज़ होंगी, तो अगर ये कोई भी काम कर रही है, ये आपस में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो इतने को तो कोई, ये इन लोगों ने जैसा भी रूल बनाया वो वैसा चलेगा, लेकिन अगर ये किसी दूसरे के साथ में व्यापार करती हैं, है ना, कोई कंट्री ए है, बी है, सी है, अगर वो किसी दूसरी कंट्री के साथ में व्यापार करती है इन तीन कंट्रीज़ के अलावा, तो वो फ्री है, वो चाहे तो जिस भी तरीके से टैक्सेस को ले, यानी कि जिस भी, वो फ्री है, यानी कि नॉन मेंबर्स जो भी कंट्रीज़ होती हैं उसके लिए वो कोई भी पॉलिसी का यूज़ नहीं कर सकती है उसमें, कोई भी, यानी कि कोई भी, ये फ्री है कि कैसे उसको कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। ठीक है, वो फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आता है, लेकिन कस्टम यूनियन के अंदर क्या आता है कि 5% उसको क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को आप देख लो जाकर के एक बार, मैं अच्छे से अभी समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए, मैं ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी टॉपिक है और अच्छे से इसको समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा इसको जाकर के आप देख लो। ठीक है, तो शेयरिंग इकोनॉमी की बात करते हैं। शेयरिंग इकोनॉमी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ रिलेटेड टू द, यानी अगर आपके पास में कोई भी बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है या कुछ भी अलग से चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे, तो आप उसको शेयर कर सकते हो। जैसे आप, हमारे पास में मान लो कोई बाइक है जो खड़ी रहती है जिसका हमको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, कोई कार है उसका हमको यूज़ नहीं होता, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं, ओला उबर पे दे सकते हैं रेंट के ऊपर। ठीक है, हमारे पास में कोई रेंट के लिए हाउस है, तो अगर हमको उसका यूज़ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में कोई स्किल है, स्किल मान लो हमारे पास में कोई स्किल है, उसको हम क्या कर सकते हैं कि कहीं पर से जाकर के शेयर कर सकते हैं।
जैसे कोई अलग अलग तरीके के फ्रीलांसिंग रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें। तो शेयरिंग इकोनॉमी इज़ ऑल्सो नोन एज द कोलेबरेटिव इकोनॉमी और पी टू पी इकोनॉमी, जिसमें क्या होता है कि विच इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, शेयर रिसोर्सेज गुड्स और सर्विसेज विथ वन अनदर। ठीक, इसमें पीपल यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू शेयर रेंट आउट द थिंग्स, जैसे कि बाइक, कार, होम और अदर तरीके की चीज़ों को सेल करना या फिर रेंट पे देना, मतलब सेल नहीं करना, रेंट पे ही देना। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन यानी कि जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म से, जैसे आप ओलेक्स पे, हमको हमको कोई सामान बेचना है और किसी किसी दूसरे को कोई सामान खरीदना है, तो ओलेक्स पे हम क्या करेंगे, अपना सामान डाल देंगे और ख़रीदने वाले का हमारे पास में फ़ोन आएगा कि मुझे सामान चाहिए, कितने में दे रहे हो, कितने पैसे लगेंगे इसके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि थर्ड पर्सन क्या करता है कि हमारे को, यानी ख़रीदने वाले को और बेचने वाले को कनेक्ट करवाने का काम करता है। ठीक है, तो यही हो गया। इसके काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आप देखते होगे कि फ्रीलांसिंग का आपका एग्जाम्पल लिख सकते हो, इसके अलावा ओला उबर का लिख सकते हो, जैसे आपके पास में कोई कार खड़ी है, बाइक खड़ी है, जिसको आपका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको आप दे सकते हो रेंट पे ओला उबर को। ठीक है, सो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स यही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, ओनरशिप आपको नहीं हटानी पड़ती, ऐसा नहीं कि आपने कार बेच ही देनी, आप उनको रेंट पे सेल कर सकते हो, यानी दूसरों को रेंट पे दे सकते हो। ठीक है, एक मिनट। हाँ, सो वो गाइस, इसके टाइप्स काफ़ी सारे होते हैं, जैसे राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, एकोमोडेशन शेयरिंग, जैसे हमारे पास में कोई रूम पड़ा हुआ है या फिर होम है अलग, तो अगर हम चाहें तो उसको भी रेंट पे दे सकते हैं, एयरबिन, और ये कुछ एक यहाँ पर booking.com, कुछ एक नाम लिखे हुए हर एक प्लेटफॉर्म्स के, इसमें दो चार अगर आप एग्जांपल लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका ट्रेडिशनल और बिजनेस प्लेटफॉर्म मॉडल का डिफरेंस बताया गया। प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल के अंदर वही थर्ड पार्टी के ऐप्स वगैरह आ जाते हैं जो कि यूज़र को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ऑफ्टन डज नॉट ओन असेट्स, यानी कि इसमें हम कोई असेट्स खरीदते नहीं हैं, बस ऐसा मीडिएटर काम करते हैं, जैसे ओला हो गया है ना, या फिर हम ओला हो गया, या फिर ऊबर हो गया, ओलेक्स हो गया, और भी अदर जो भी थर्ड पार्टी के, जैसे कि फीवर हो गया, freelance.com है ना, यहाँ पर एयरबिम लिखा हुआ है, booking.com, तो ये सभी जो भी एग्जांपल हैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, जो कि ख़रीदने वाला बेचने वाला दो हैं, उनको कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, ऐसा मीडिएटर काम कर रहे हैं। ठीक है, जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल में क्या होता था कि हम कोई चीज़ बना करके किसी को बेच रहे हैं, तो वो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल के अंदर आ जाता था। ठीक है, इसके टाइप्स अलग अलग होते हैं, वही जो अभी हम लोगों ने पीछे देखे ना, वही सारे टाइप्स हैं, मार्केट प्लेटफॉर्म्स, शेयरिंग इकोनॉमी प्लेटफॉर्म्स, फ्रीलांसिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए अलग, कंटेंट क्रिएशन, इसी तरीके से हमारा यूनिट थर्ड खत्म हो चुका और यूनिट फोर्थ के ऊपर हम आ चुके हैं। यूनिट फोर्थ के अंदर सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, दैट इज़ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब ऐसा आप समझो कि जब भी कोई एक ग्रुप होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जैसे कई सारे ग्रुप, जैसे देख लो कि जिसके साथ में हम भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, एक तरीके का अपना ग्रुप बना लेते हैं। इसका सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बाद में इसकी डिफिनेशन के ऊपर आते हैं। जैसे एलजीबीटी का ग्रुप है, ठीक है, तो एलजीबीटी मतलब आप समझते हो ना कि लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, अलग अलग तरीके के लोगों की सेक्स से रिलेटेड क्वालिटीज़, मतलब उनके उनको कैटेगराइज करा गया हुआ है, ठीक है, जो कि नॉर्मल मेल और फीमेल से दूसरे अलग हट करके कुछ होते हैं। तो अभी इसमें क्या है, ये एक तरीके का ऐसा ग्रुप है जो कि क्या करता है कि इनको समाज से एक तरीके से इनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला, उनको बहिष्कार देखने को मिला, और इन लोगों ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया, और उस ग्रुप के हिसाब से अगर कोई भी पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई भी लीडर है, तो उसको ही हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अगर मान लो कि कोई धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स किया जा रहा है कि ये धर्म है तो इसके हिसाब से हम ये पॉलिटिक्स, ये वाली पार्टी को ज़्यादा वोट दें या फिर उस तरीके की पार्टी को ज़्यादा वोट दें, ऐसा अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर आता है। यानी कि अगर कोई एक ग्रुप को हम ले लेते हैं, कोई एक पर्टिकुलर जिनका एज, रिलीजन, कास्ट, इन सब के बेसिस पर अगर कोई हम एक ग्रुप को ले लेते हैं और उस ग्रुप को ले करके उसके हिसाब, उसके ऊपर हम पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं,
तो उसी को हम बोल रहे हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। तो व्हेन पीपल गेट इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ हु दे आर जस्ट लाइक देयर रेस जेंडर और रिलीजन, यानी कि अगर कोई अपने रिलीजन को लेकर के अपने जेंडर को लेकर के कास्ट रेस को लेकर के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर आता है। इट सीम्स समटाइम्स इट सीज अ वे ऑफ एडजस्ट टू इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब कि इसमें कई बार हमको इनइक्वालिटी को भी देखने को मिलता है, कई बार तो ऐसा होता है कि जो ये सोसाइटी को भी डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। इसमें दूसरा एग्जांपल है आपका गर्ल्स का, यानी कि गर्ल्स में गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए, गर्ल्स को नो कि उनको इनकरेज करने के लिए गर्ल्स ने अपना एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके वो क्या कर रहे हैं कि गर्ल्स पावर इस तरीके से वो नारे लगा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। तो कोई भी लीडर आया और बोल रहा है कि हम गर्ल्स पावर को इनक्रीज करते हैं और इस तरीके से अगर उनको उनके ग्रुप को लेकर के कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो आपका आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, इसका पर्पज़ आप समझ ही गए होगे चैलेंजेस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ अथॉरिटेरियज्म, यानी कि अथॉरिटेरियज्म, ये दोस्तों इसका क्या मतलब होता है, अथॉरिटेरियज्म का मतलब ये होता है दोस्तों कि ब्लाइंड सबमिशन टू द अथॉरिटी, ये इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, ठीक है। यानी कि दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब समझते हो ना कि जहाँ पर टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए मतलब उनके लिए हम जब भी कोई काम करते हैं लोगों के द्वारा करवाया जाता है कोई काम को, चाहे वो अपना लीडर चूज़ करना हो, तो मतलब कि डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सब कोई के पास में एक फ्रीडम होती है कि हम अपना लीडर खुद चूज़ कर सकते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं सबके पास में, अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। जबकि अथॉरिटेरियज्म क्या है, जस्ट अपोजिट है डेमोक्रेटिक कंट्री का, ठीक है। तो इसमें हम लोगों की फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, इसमें जिसका अथॉरिटी होती है यानी कि जिसका जो राजा होता है एक तरीके से, जिसके पास में सुप्रीम पावर होती है, वही लोगों को रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके पास में मीडिया और अदर जो भी यानी कि न्यूज़पेपर वाले मीडिया सब उसके हाथ में होते हैं कि जो वो चाहेगा वही शो ऑफ किया जाएगा पब्लिक को, अदरवाइज़ पब्लिक के पास में कोई भी राइट्स नहीं होते हैं कि वो अपने हिसाब से कोई भी डिसीज़न ले सके, अपने लीडर को खुद चूज़ कर सके, केवल जो भी वोटिंग्स होते हैं वो भी केवल एक नाम मात्र के होते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटेरियज्म इज़ अ पॉलिटिक्स सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द रिजेक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी कंट्री, यानी कि जो भी डेमोक्रेसी कंट्रीज होती हैं उनके अपोजिट जो भी काम करती है वो अथॉरिटेरियज्म के अंदर कैटेगरी के अंदर आता है। तो इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया का, नॉर्थ कोरिया के अंदर भी अभी भी मतलब आपको देखने को मिलेगा कई सारी इवन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको अथॉरिटेरियज्म देखने को मिलेगा कि जो भी उनके न्यूज़पेपर चैनल्स रेडियो सबके सब जो भी होते हैं उनके हैंड्स के अंदर होते हैं, उस गवर्नमेंट के हैंड में होते हैं, और गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी दूसरे को नहीं अलाउ करती कि कोई दूसरी पार्टी आए और लोगों के पास में वोटिंग राइट्स हों और दूसरा कोई लीडर बन जाए, मतलब एक ही पार्टी जो भी होती है एक ही पार्टी लोगों को रेगुलेट करती है। तो ये नॉर्थ कोरिया का आप एग्जांपल दे सकते हो। इसमें हमको काफ़ी सारे इसके डिमेरिट्स भी देखने को मिलते हैं कि ब्लाइंड ओबीडियंस होता है, नो डेमोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल पावर, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल, ठीक है। देन इसके बाद में लिमिटेड राइट्स होते हैं लोगों के पास में, स्टेट ओन्ड मीडिया होती है कि जो भी वो चाहेंगे वो वैसा करेंगे, तो ये होता है। जबकि आइडियल डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हम टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं, जो कि अब्राहम लिंकन ने इसको क्वाइंट किया था इस टर्म को, एंड दिस इज़ द एसेंस ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा काम करवाया जा रहा है, लोग अपने लीडर्स को खुद चूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास में एक तरीके की फ्रीडम्स है, जैसे अपने इंडिया में हम देखते हैं ना कितनी फ्रीडम है। तो इट प्रमोट्स द ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अगर हमको कोई लीडर है वो सही से नहीं काम कर रहा है तो उसको हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में या 3 ईयर्स में उसको हम उसके पद से हटा भी सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर वो बहुत ही बुरा काम कर रहा है तो उसको हम उसके पद से तुरंत भी हटा सकते हैं, ठीक है। लोगों के पास ये पावर होती है, लेकिन कई बार लोग अपनी पावर का यूज़ नहीं करते हैं। सो फीचर्स ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी, इसके एग्जांपल्स आपको मैंने बता ही दिया कि कनाडा में, इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर सब में, यूनाइटेड स्टेट वगैरह में आपकी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का यूज़ ही होता है, ठीक है। आइडियल डेमोक्रेसी का यूज़ होता है, ठीक है। ग्लोबल
ग्लोबल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये एक तरीके का ऐसा टर्म है जो कि डिफाइन करता है कि हाउ कंट्रीज एंड अदर ग्रुप्स अराउंड द वर्ल्ड इंटरेक्ट विद ईच अदर। यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो केवल एक कंट्री की पॉलिटिक्स की बात नहीं होती, पूरे कंट्री के, पूरे वर्ल्ड के, यानी कि पूरी जो वर्ल्ड हैं अलग अलग कंट्रीज में के को लेकर के केवल एक पॉलिटिक्स की बात करी जाती, सेम रूल हो सबके लिए उस चीज़ की बात करें, तो मेकिंग डील्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड समटाइम्स डिसएग्रीमेंट, ठीक है, लाइक ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, जैसे सपोज दैट कि अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उस समय हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। इन्वायरमेंट में कोई एक कंट्री नहीं बोलेगी कि हमको हम अपना कंट्री को, हमारी कंट्री जो है वो इको फ्रेंडली प्रोटेक्शन सिस्टम को अडॉप्ट कर रही है। हर एक जो भी कंट्री, पूरा वर्ल्ड है ना, पूरा वर्ल्ड जब मिल कर के काम करेगा तब हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स का मतलब यही है कि जब पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड जो भी हो वो राजनीति के अंदर आए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद में अब हमारा आता है यूनिट फिफ्थ। यूनिट फोर्थ ख़त्म हो चुका है और यूनिट फिफ्थ के अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। यूनिट फोर्थ काफ़ी छोटा सा था और सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी की। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब आप समझते हो, जैसे वर्कफोर्स का मतलब कि जो भी आपकी कंपनी है, जैसे मान लो कि कोई कंपनी या फिर वर्कफोर्स मतलब कोई भी कंपनी हो गई या फिर कोई भी ऑफिस हो गया जहाँ पर अलग अलग तरीके के अलग अलग रेस, रिलीजन, कास्ट, जेंडर और अदर डिफरेंसेस, मतलब लोगों के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ पीपल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि क्रिएटिंग अ वर्क प्लेस वेयर पीपल फ्रॉम डिफरेंट backgrounds, cultures and perspective feel represented, all right? So इसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग तरीके की जब हमको लोग अपने कल्चर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सो वही चीज़ है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। इसकी डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, ट्रेडिशंस, डिसएबिलिटीज, लैंग्वेज, एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, तो ये सारी चीज़ें हो गई। मतलब कि अलग अलग लोगों को अगर हम अपनी कंपनी के अंदर हायर करें तो वही चीज़ हो गया वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। इसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में भी इम्पॉर्टेंस है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इशू ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मतलब इंपॉर्टेंट है एक मतलब समझने वाला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट का मतलब एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, समझने वाला टॉपिक है। इंटरजनरेशनल इक्विटी, इसका मतलब ऐसा समझो कि जब एक जनरेशन जो है बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूजेस कर लेती है, जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हम हैं तो हम अपनी जनरेशन में रहते हुए जब भी हमारी जब से हमारा जन्म हुआ जब तक हम हमारी डेथ होगी तो उसके बीच में जो भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका फ्यूल हो, वाटर हो और अदर रिसोर्सेज हो जैसे पेट्रोल हो, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यूज़ कर लेते हैं तो हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। तो यही होता है इंटरजनरेशनल इक्विटी। इक्विटी में हम समानता की बात करते हैं ना, तो समानता में ये नहीं कि केवल गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, हाँ मतलब गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में ही समानता की बात करी जा रही, इसमें हम पूरे सभी लोगों की समानता की बात करते हैं, मतलब इस तरीके के चीज़ों की बात करते हैं जहाँ पर हर एक जनरेशन के बीच में इक्विटी की बात करते हैं कि सभी लोगों के बीच में सेम रिसोर्सेज, सेम अपॉर्चुनिटीज़ एंड बर्डन का डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये नहीं कि एक जनरेशन ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम कर लिया, बहुत ज़्यादा पानी का बर्बादी कर ली तो दूसरी आगे आने वाली जनरेशन को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, यही मतलब होता है। तो इस वजह से हमको केयरफुल रहना चाहिए कि हम अपना मतलब ऐसा ना करें कि हमको बहुत ज़्यादा कोल, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैसेस जो भी होते हैं उन सब का एक्सेसिव यूज़ कर लें जिससे हमारे आगे आने वाली जनरेशन जो है उसको क्राइसिस का सामना करना पड़े। कि हाउ अवर एक्शन टूडेज आर अफेक्टेड द लाइफ ऑफ दोज हु आर कम आफ्टर अस, यानी कि हमारे बाद में जो आने वाले हैं उनको क्राइसिस का सामना ना करना पड़े। इसका एग्जाम्पल यही बताएगा कि सपोज़ कि अगर हमारी जनरेशन के लोग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्यूल, कोल, ऑयल और नेचुरल गैसेस का यूज़ कर लेते हैं या फिर वाटर का यूज़ कर लेते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन को क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा, यही है। इसके अंदर हमारे अलग अलग तरीके के
हाँ तो बस यही है इसके अंदर, ठीक है। अब आपका ये नेक्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन जनरेशन, डिफरेंट जनरेशन इन द वर्क प्लेस, है ना, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके अंदर आपको बात बताई जाती है कि पांच अलग अलग तरीके के आपको बताए जाते हैं जनरेशन्स के बारे में, जो कि कौन कौन से रिलेटेड, जो कि आपको अपने वर्क फोर्स, जो कि आपको अपनी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपका आता है ट्रेडिशनलिस्ट या फिर सीलियंट जनरेशन, जिनका जन्म 1928 से लेकर के 1945 के बीच में हुआ होगा, तो वो आपके ट्रेडिशनलिस्ट लाते हैं या सीलियंट जनरेशन। इनके ऐसे लोग जो भी होते हैं ना, वो आपके काफ़ी लॉयल होते हैं कंपनी के साथ में, कंपनी की हायरार्किकल स्ट्रक्चर को पसंद करते हैं, उनको फॉर्मल कम्युनिकेशन पसंद होता है। लेकिन ऐसे लोग जो भी होते हैं वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अच्छे नहीं होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को अगर अडॉप्ट करने की बात करी जाती है तो वो काफ़ी उससे स्ट्रेंज फील करते हैं या तो पीछे हटते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में बेबी बूमर्स होते हैं, जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच में होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि टीम वर्क में काम करना, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर एक थोड़ा सा डर होता है भाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि बहुत ज़्यादा इनको एडवांसमेंट और ऑटोमेटेड चीज़ें इनको भी नहीं पसंद होती हैं। देन इसके बाद में जनरेशन एक्स आती है, जो कि 1965 टू 1980 के बीच में, ये वर्क लाइफ बैलेंस को, यानी कि समय के साथ में काम करना, समय के साथ में फैमिली के साथ काम करना, ऑटोनॉमी, फ्लेक्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, और मैनेजमेंट स्टाइल सभी चीज़ों के लिए अच्छे होते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ में ये भी इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं। देन इसके बाद में मिलीनियर्स आते हैं आपके, मिलीनियर्स और जनरेशन वाई, 1981 से लेकर के 1996 तक जिनका जन्म होता है, तो वो मिलीनियर्स बोलते हैं उनको। और ऐसे लोग जो होते हैं टेक्नोलॉजी के साथ में काफ़ी यू नो कि उनके साथ में अच्छे होते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने में रह करके अलग तरीके के काम करने को करना पसंद करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल वर्क, टीम वर्क, सब तरीके से फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती है उनके अंदर। वर्क लाइफ बैलेंस को ये क्या करते हैं कि इंजॉय करते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, लीडरशिप स्टाइल में काम करना पसंद करते हैं, यानी इनको कोई भी काम है तो उसको ऐसा कि ये काम करो, ठीक है, तो दूसरा आदमी कोई काम कर रहा है, तो इस तरीके के लोग होते हैं जो कि डायरेक्शन देना जिनको पसंद होता है। देन जनरेशन जेड आता है, जिसको पोस्ट मिलीनियर्स आप बोल सकते हो, 1997 में जिसका जन्म हुआ है, 2012 के बीच में, ऐसे लोग आपको अपनी कंपनी के अंदर देखने को मिलेंगे, जो कि टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, इनको टेक्नोलॉजी के साथ में काम करना काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत ही फ्लेक्सिबल रहना पसंद होता है इनको, कोई की डांट वगैरह सुनना नहीं पसंद होता है ये, मतलब सुनना पसंद का मतलब कि बहुत ज़्यादा इनके कामों में रोक टोक कर दे इस तरीके का नहीं, इनको इंसेंटिव्स वगैरह जैसे प्लान कर दो ना, तो ये अपने काम में अच्छे होते हैं, अपना काम अच्छा बेस्ट तरीके से देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना कि इनके कामों में रोक टोक किया जाए, इनके ऊपर सर के ऊपर खड़े होकर के अगर काम करवाने की बात करो तो फिर वे उस तरीके की चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते। तो यही होता है जनरेशन जेड और पोस्ट मिलीनियर्स। इसके अंदर इनके लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्प्रिट भी हो सकती है, क्रिएटिव भी हो सकते हैं, डाइवर्स भी हो सकते हैं, और मतलब अपने एकदम स्प्रिट होती है इनको काम के लिए, एकदम ये मोटिवेटेड होते हैं, हाईली मोटिवेटेड होते हैं अंदर से, और टेक्नोलॉजी के साथ में भी अच्छे होते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब आप समझते हो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होता है, माइग्रेशन का मतलब भी होता है जब एक पर्सन जो होता है वो मूवमेंट करता है, यानी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह को चला जाता है, यानी एक प्लेस छोड़ करके दूसरी जगह चला जाता है, तो उसी को हम माइग्रेशन बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन। तो वेरियस रीजंस की वजह से माइग्रेट करना पड़ता है लोगों को, चाहे नई जॉब को अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, कई लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं, कई लोग अपनी फैमिली के लिए बाहर चले जाते हैं, फैमिली के पास रहना है, कई लोग नेचुरल डिजास्टर से परेशान होकर के, कहीं पर मान लो बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया, तो इस सब से पीड़ित होकर के कई लोग छोड़ के चले जाते हैं कंट्रीज़ को, तो ये माइग्रेशन के ही अंदर आते हैं। तो रीजंस इसके कई सारे हो सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक रीज़न, सोशल, पॉलिटिकल, काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके अंदर टाइप में आता है इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन के अंदर हम बात करते हैं, इन माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एक पर्सन किसी सेम कंट्री के अंदर जैसे मूव करता है, जैसे यूपी के अंदर की हम बात करते हैं, यूपी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई रिलोकेट हो रहा है, कानपुर से अगर कोई लखनऊ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो वो क्या हो गया कि यूपी के अंदर का इन माइग्रेशन हो गया।
इसी तरीके से अगर कंट्री की बात करें कि पूरे कंट्री में अगर एक जगह को लेकर के जैसे एक स्टेट को छोड़ कर के कोई दूसरे स्टेट जैसे यूपी छोड़ कर के बिहार शिफ्ट हो रहा है या बिहार छोड़ कर के दिल्ली NCR जा रहा है, तो वो क्या हो गया, इन माइग्रेशन आ गया। आउट माइग्रेशन का मतलब क्या होगा कि हम कोई एक रिलीजर एक जगह छोड़ कर के जा रहे हैं। आउट माइग्रेशन में भी वही चीज़ें हो जाती हैं जैसे कि हम यूपी छोड़ कर के बिहार जा रहे हैं या बिहार छोड़ कर के कहीं और जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया कि आउट माइग्रेशन। देन इमिग्रेशन, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए इमिग्रेशन, कि अगर हम लखनऊ हम कानपुर से लखनऊ जा रहे हैं तो लखनऊ के लिए वो क्या होगा, इमिग्रेशन होगा, कि जो पर्सन आया वो इमिग्रेशन। और एमिग्रेशन, इसमें स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, इसमें क्या होगा कि जो पर्सन छोड़ करके चला गया है, कि जो पर्सन ने लीव किया, जैसे हमने कानपुर लीव कर दिया, तो वो क्या होगा हमारे लिए एमिग्रेशन हो गया। इसके अलावा पॉलिटिकल माइग्रेशन, अगर कोई हमको वॉर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला तब हम माइग्रेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, जैसे कहीं पर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं वहाँ, उसके लिए हम माइग्रेट कर सकते हैं। सीजनल माइग्रेशन, जब हमको कहीं पर कहीं कोई सीज़न जो होता है वो नहीं पसंद होता है तो हम माइग्रेट कर सकते हैं। देन आपका आता है टेम्परेरी, कुछ समय के लिए हम माइग्रेट करते हैं, जैसे जॉब रिलेटेड पर्पस के हम कई बार बाहर जाते हैं उसके बाद फिर आ जाते हैं। परमानेंट माइग्रेशन, हमेशा के लिए जा रहे हैं, वॉलेंट्री अपने मन से जा रहे हैं, इनवॉलेंट्री फोर्स्ड मतलब ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है। तो पुश माइग्रेट, पुश फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमको क्या करते हैं, धक्का देते हैं माइग्रेट करने के लिए, जैसे कि कहीं पर हमको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पुअर एजुकेशन सिस्टम है तो हमको जाना पड़ सकता है, कहीं पर वॉर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या नेचुरल डिज़ास्टर्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक फ्लड आ गया तो इसकी वजह से जाना पड़ रहा है ना, लॉन्ग टर्म इशूज़ हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा है, या फिर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, बेसिक सर्विसेज अच्छी नहीं, तो हमको माइग्रेट करना पड़ सकता है। देन इसके बाद में ये हमारे हो गए पुश फैक्टर, और पुल फैक्टर्स के अंदर क्या होता है कि हमको जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, जैसे अच्छी हाई फैसिलिटीज़ हो गई, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लाइफ कंडीशंस हो गए, तो ये सभी हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सभी चीज़ें हमको माइग्रेट करने के लिए क्या करती हैं, पुल करती हैं। जैसे गाँव के लोग छोड़ छोड़ के गाँव अपना शहर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटीज़ यहाँ पर अच्छी मिल रही हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की, जिसको आप EU बोलते हो शॉर्ट में। तो EU क्या है, EU क्या है, 27 कंट्रीज़ का अलायंस है। अलायंस का मतलब होता है संधि, या फिर आप इसको एक तरीके से इंटीग्रेशन, 27 कंट्रीज़ का इंटीग्रेट करके एक तरीके का ग्रुप बना लिया गया। और ये क्या है कि दोस्तों, यूरोप में ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज़ इन यूरोप, और ये जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं ये आपस में, मतलब आपस में इन लोगों ने क्यों अलायंस किया, क्यों इंटीग्रेट हुई, क्योंकि ये क्या करना चाहती हैं, क्योंकि ये ट्रेड बैरियर्स को, यानी बिजनेस रिलेटेड बैरियर्स को हटाना चाहती हैं और चीज़ों को आसान बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये नहीं चाहते कि ये हमारी कंट्री है, वो तुम्हारी इलाका है, मतलब ये सभी एक पूरे विश्व को एक घर समझना चाहते हैं, और सारे जो भी बैरियर्स हैं उनको हटाने के लिए इन लोगों ने अपना संधि करी। इन लोगों का जो कूल था, मतलब कि जो उनका जड़ था, रूट था, वो ये था कि कोल और स्टील की कम्युनिटी, मतलब कि इन लोगों ने कोल और स्टील से जितने भी टैक्सेस वगैरह थे वो हटाए थे, और हटाने की वजह से ये लोगों का ये लोग आ गए थे। तो इसके अंदर पहले 28 थे, लेकिन अभी बाद में 90 मतलब स्टार्टिंग में 96 मेंबर्स ही थे, बाद में 28 हो गए, देन उसके बाद में 27 बचे। तो ये इसको हम अभी हटा देते हैं। अब आपका नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, डेट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का मतलब आप समझते हो कि लॉन्ग टर्म में जब क्लाइमेट कोई भी होता है वो चेंज होता है। जैसे आप देखते होगे पहले कितना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती थी, अब के टाइम में कितना गर्मी होने लगा, तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का आपका एग्जांपल। जो भी ग्लेशियर्स थे वो पिघल पिघल करके समुद्र में जाने लगे, इस वजह से समुद्र का जो भी सी लेवल है वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो ये सभी चीज़ें हैं जो भी हैं क्लाइमेट, यानी कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी है क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म में चेंज हो जाता है, यानी कि काफ़ी लंबे समय में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है, और निगेटिव इम्पैक्ट के तरीके देखा जाता है। जैसे कि लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ वेदर्स पैटर्न्स, यानी कि हमने पहले देखा कि कहाँ पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती थी वहाँ गर्मी होने लगी। तो ये क्या है कि एक एग्जाम्पल है कि
क्लाइमेट वहाँ का चेंज हो गया, क्योंकि ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी नहीं थी। हमने बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ किया, कार और डीजल, मतलब कि जहाँ पर देखो वो बाइक खरीदा कोई साइकिल्स नहीं चलना चाहता, इन सभी चीज़ों को मतलब हमने अवॉइड ही करना स्टार्ट कर दिया। हमारे पास में गाड़ी है, हमारे पास में बाइक है, हम बस उसी से चलेंगे, हम साइकिल का यूज़ ही नहीं करेंगे। ठीक है, कि छोटे से भी डिस्टेंस पर जाना है तो भी साइकिल का यूज़ नहीं करेंगे। क्या है मतलब क्लाइमेट चेंज के यही सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। एसी हमारे घर पे तो 24 घंटे चलेगा, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, काट काट के जंगलों को हम क्या करते हैं, घर वहाँ बना रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों की कटाई। देन इसके बाद में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हर जगह पर इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ बन रहे हैं, वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टेशन हम इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि कुछ कहने को, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ नहीं करना चाहता, अपनी कार से सब कोई निकलना चाहता है, अपना सब कोई दिखाना चाहता है। तो दिस ऑल आर द लाइक रीजंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा सबको एसी यूज़ करना है, बिना एसी के तो हम रह नहीं पाते। ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं ना, ये सारे रीजंस हैं क्लाइमेट चेंज होने के। इसका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है आपको। ह्यूमन हेल्थ रिस्क में आपके आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, लेकिन हर एक चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि अगर आप जो हमारी अर्थ है ना, इसके साथ में खिलवाड़ करोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है ना, तो सारे सॉल्यूशंस के ऊपर, सारे जितने भी मैन की जितनी भी मशीन्स होती हैं या मैंस की जो भी उनकी ब्रेन पावर है, वो सब उसके आगे फीका हो जाता है। तो थोड़ा सा बी केयरफुल कि अगर आप कहीं निकल रहे हो तो अपने दोस्त की कभी कदार बाइक वगैरह शेयर कर लिया करो, उसके कार में चले जाओ। बहुत ज़्यादा पब्लिक, थोड़ा बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर लो, थोड़ा साइकिल का भी यूज़ कर लो। घर पे एसी अच्छी बात है, लेकिन उसको थोड़ी देर बंद भी कर दो, थोड़ी देर बाहर खुले में भी घूमो जा करके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा थोड़ा सा अवेयर हो सकते हैं। यानी एक तरीके से मेरा वही है कि क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसके पीछे हम ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद में आपका जो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, डैट इज़ प्राइवेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड। ये क्या है प्राइवेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड? जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल के टाइम पे सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है, यानी अपने फ़ोन से लेकर के हमको सब कुछ पेमेंट वगैरह और कोई भी चीज़ होती है, मतलब हम डिजिटल अपना फ़ोन में, लैपटॉप में पढ़ाई भी है, एजुकेशन भी है, सब कुछ डिजिटल तरीके से हो गया। लेकिन उसके अंदर भी कोई सारी प्राइवेसी होती है ना। मान लो हमारा कोई अकाउंट हैक कर ले, उसमें गलत तरीके की पोस्ट वगैरह को शेयर करने लगे, तो हमारी प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ ही तो होगा। हमारी कोई पर्सनल डेटा को क्या कर ले, हैक कर ले, अगर मान लो सपोज दैट कर ले, तो ये क्या होगा, मेरी प्राइवेसी के साथ में खिलवाड़ होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अपना यूज़ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और टू स्टेप वेरिफिकेशन सभी चीज़ों का यूज़ करूँगा। तो प्राइवेसी इन द डिजिटल वर्ल्ड, इट रिफर्स टू द राइट टू कीप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मिसयूज़। यानी कि हमारा कोई भी डेटा मिसयूज़ ना कर पाए, हमारा सारी चीज़ें सही से सुरक्षित रहें, इसके लिए हमको प्राइवेसी रिलेटेड चीज़ों का होना कंपलसरी है, इनकी प्राइवेसी का होना कंपलसरी है। हैकिंग ना कर पाए, पर्सनल डेटा ट्रांसपेरेंट रहे, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। साइबर क्राइम्स, आप जानते हो क्या होता है कि जब भी कोई इलीगल एक्टिविटी होती है आपके पर्सनल डेटा के साथ में, कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ में, आपके कंप्यूटर पे आकर के, तो वो होता है साइबर क्राइम्स के अंदर आ जाता है। इसके कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, आपका कोई कंप्यूटर सिस्टम हैक कर ले या फिर फिशिंग कर दे, फिशिंग का मतलब फोन कॉल्स करे, आपका एटीएम पिन, कुछ भी पासवर्ड वगैरह मांग ले, ऑनलाइन फ्रॉड या स्क्रैम करना, मालवेयर, कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर पर अटैक कर जाए। देन इसके बाद में थेफ्ट, मतलब कि कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा ले आपकी। तो ये सभी टाइप्स होते हैं साइबर क्राइम्स के। इसको मैंने सबको बहुत ही आप लोगों को सही तरीके से बता के रखा हुआ है अलग अलग सेपरेट वीडियोस में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करो, सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखो, एंटीवायरस प्रोग्राम्स को बना करके रखो, और टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहो, टू स्टेप वेरिफिकेशन करो, अपने कोई भी लिंक पे ऐसा नहीं क्लिक कर देना कि कोई भी बिना समझे सोचे कोई भी डायरेक्ट लिंक को टच नहीं करना।
ये सारी चीज़ें होती है, इसका इंपॉर्टेंस काफ़ी सारी जगहों पे होती है। और ये लास्ट में एक और आता है आपका बेसिक ऑफ GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये आपका एक तरीके का लॉ है जो कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा, EU के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और इसमें क्या, इसमें कुछ एक चीज़ें बताई गई हैं, ये 14 अप्रैल 2016 को इसको मतलब अडॉप्ट किया गया और जो मतलब लागू हुआ, जो जब से हमने काम करना स्टार्ट किया 25 मई 2018 से किया। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जिसमें लॉ बनाया गया ट्रांसपेरेंसी का, कि अगर हम कोई का पर्सनल डेटा ले रहे हैं तो हम उसको ये ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसको एक विश्वास देंगे कि हाँ हम तुम्हारा पर्सनल डेटा ले रहे हैं, अपने कुछ पे एक पर्पस से हम तुम्हारा जो डेटा है पर्सनल डेटा उसको मिसयूज़ नहीं करेंगे। कंपनियां होती हैं ना कि अपना आपका पर्सनल डेटा लेकर के मिसयूज़ करती हैं, तो उनसे पूछो जाकर के, यानी कि आप हमारे पर्सनल डेटा को क्या करोगे, मिसयूज़ तो नहीं करोगे। देन इसके बाद में डेटा मिनिमाइजेशन, जितना रिक्वायर्ड हो उतना ही डेटा लिया जाए, ये नहीं कि हमने बहुत सारा डेटा लेकर के रखा हुआ है कि किसी पर्सन का नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, अपने गार्जियंस का फ़ोन नंबर, यही सारी चीज़ें रिक्वायर होती हैं बेसिकली, ये हम दे देते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा अगर कोई पूछ रहा है बहुत ज़्यादा बैंक अकाउंट डिटेल्स, कहाँ पर तुम्हारा किस किस जगह पर खाता खुला हुआ, ये वो, तो इतना ज़्यादा अगर कोई डिटेल मांग रहा है तो उसको, यानी उसको बताओ कि डेटा मिनिमाइजेशन करो, तो मतलब इतना ज़्यादा डेटा को नहीं शेयर करना है आपको। स्टोरेज की लिमिटेशन होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए कि आपका जो डेटा है वो सही जगह पर यूज़ होगा, मिसयूज़ नहीं किया जाएगा उसको। अगर कोई मिसयूज़ करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी का भी वो होना चाहिए। तो ये सभी कुछ जो हैं की पॉइंट्स हैं GDPR के, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस के। यहाँ पर ये आपके कुछ एक की पॉइंट्स इसको इसके अंदर ही आते हैं। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि दो नंबर में पूछा जा सकता है, कि कुछ एक एसोसिएटेड रिस्क बताओ जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हो। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे रिस्क हो सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी का लैक हो सकता है, बायस्डनेस हो सकता है, देन इसके बाद में प्राइवेसी से रिलेटेड इशू हो सकता है, ट्रांसपेरेंसी का इशू हो सकता है, कुछ भी रिस्क आप बता सकते हो, कुछ भी चैलेंजेस बता सकते हो। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप दोस्तों कि आप सभी लोग इस तरीके से खुश होगे और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से इन्जॉय कर रहे होगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मेरी तरफ से, मेरे एंड से सब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। और आप अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप एक सेपरेट वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, ठीक है, उसको भी देख सकते हो जाकर के। और कोई भी दिक्कत है तो आप WhatsApp पे कमेंट भी कर सकते हो। अगर PPT PDF चाहिए आपको तो आप नीचे WhatsApp नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, यहाँ तक आप आए, दो घंटे की पूरी वीडियो को आप लोगों ने देखा, थैंक यू वंस अगेन गाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद भी आया तो एक एक बार उसको थोड़ा सा लाइक कर दिया करो, लोगों के साथ में, दूसरे लोगों को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वंस अगैन।